और मार्कोस की ट्रेनिंग हम लोगों ने यूएस नेवी सीज पे ही बेस्ड करके शुरू कर दी आई क्यू लेवल था ऑफ नेवी सील्स मार्क डिफरेंस मतलब मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा कि ये लोग इतने डम कैसे हैं और एक और चीज थी उन्हें किसी ऑपरेशन के लिए जाना है तो उनको बेसलेरी की बोतल चाहिए हमें चलना है जंगल में जा रहे हैं अच्छा स्ट्रीम आएगा वहीं से हम पानी ले लेंगे अपनी बोतल भर लेंगे वरना वर भी चलेंगे काफी देर तक तो हमारे अंदर जो सहन शक्ति है जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा क्यों यूज करते हैं सब मरीज नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ ट्रेड है

सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग कंट्री कौन है हमारे लिए सी के साथ नहीं बिल्डिंग शिप्स टू टेक ऑन वर्ल्ड 70 से ज्यादा जो ड्रग्स आते हैं ना कंट्री में वो भी सी से ही आते हैं तो हम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको तो <laughs> हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे तो आगे बढ़ने से पहले राजचमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए राज क्लिप्स एंड राजचमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन्जॉय द शो सर आप सबमरीनर हो सबमरीनर क्या होता है समरीन का मतलब तो नाम ही छुपा है सब और मरीन मरीन माने पानी और सब माने नीचे तो पानी के नीचे जो काम करे उसे समरीन बोलते हैं तो एक तो जैसे गोताखोर होते हैं जो कि पानी के नीचे होते हैं उनको गोताखोर डाइव करके जाते हैं और जो शिप अगर आप ले लें जो पानी के नीचे चलती है उसको समरीन कहते हैं तो और जो लोग इसके लिए वॉल्टियर करते हैं ट्रेनिंग करते हैं सक्सेसफुली उसको क्वालिफाई करते हैं फिर आपको जाके एक सब का बैज मिलता है विच इज़ बहुत ही कोविटेड कि मुझे बैज मिला है तो वो बैज मिलता है एंड देन यू आर क्वालिफाइड एज अ सब मरीनर तो सब मरीनर की ट्रेनिंग कैसे होती है सब मरीन की ट्रेनिंग वॉल्टियर करते हैं लोग ठीक अलग अलग ब्रांचेस के एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिर अलग सेलर्स में भी अलग अलग ब्रांचेस के टॉपिस्ट और इंजीनियर मार्टिफाइजर तो वॉल्टियर्स में से फिर चूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट परफॉर्मेंस इन इन कोर्सेज वगैरह देख के फिर आप जाते हैं पहले छ महीने की आ, क्या कहते हैं क्लास रूम ट्रेनिंग के लिए ओके okay. उसमें सब कुछ आपको सिखाया जाता है अब एक चीज़ फर्क जो होती है मेजर मेजरलीशिप और समरीन में समरीन में आपका सब्जेक्ट जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं मैकेनिकल के बारे में सब सीखूंगा डीजल इंजन पंप्स और फिर क्या कहते हैं ब्लोअर वेंटिलेशन सिस्टम एयर कंडीशनिंग सिस्टम डी वाटरिंग सिस्टम ट्रिम एंड स्टेबिलिटी की भाई समरीन को बैलेंस करना तो ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स हो गए थे मैकेनिकल इंजीनियर बट मुझे साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल का भी सीखना पड़ता है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव जो सीमेंट ब्रांच है कि वो कैसे नेविगेट करते हैं क्या करते हैं तो अपना प्राइमरी सब्जेक्ट सीखना होता है प्लस ये पेरिफेरल्स सीखना भी सीखना, सीखना होता है क्योंकि इमरजेंसी में आपको कुछ भी कुछ भी करना, करना पड़ेगा हाँ उसके बाद आपका एक होता है ईटीएस स्केप ट्रेनिंग स्कूल ओके तो उसमें क्या है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपकी पंडुब्बी डूब गई तो आप उससे स्केप करके कर आओगे बाहर क्योंकि पनडुब्बी तो वेल्यूबल है ही बट हर एक सबमरीनर भी वैल्यूबल है तो सबमरीन अगर डूब गई तो फिर कैसे तो कैसे आप निकलोगे तो जैसे हमारे सामने टॉपिडो ट्यूब्स होते हैं तो उसका एक मैकेनिज्म होता है जैसे टॉपिडो हम फायर करते हैं उसी तरीके से हम लोग अंदर घुस के हम लोग भी वहाँ से बाहर निकल सकते हैं टॉपिडो क्या होता है टॉपिडो इज़ लाइक like, मिसाइल पता है आपको हाँ। मिसाइल फायर होती है तो आप समझ लो जो मिसाइल पानी के अंदर चलती है उसे टॉपिडो कहते हैं वो okay. टॉपिडो पानी के अंदर स्विम करती है ठीक hmm. है तो जिस जहाँ से वो मिसाइल निकलती है हाँ वहीं से आप लोग निकल जाते हैं स्केप के लिए वो ट्रेनिंग दी हाँ. जाती है क्योंकि वो एक ओपनिंग है जो छोटी सी है और आप पीछे का जैसे कि फ्लडिंग का डेंजर हाँ. रहता ही है तो आप पानी के नीचे सपोज नीचे आप बैठ गए हाँ. और पानी का लेवल ऊपर है अब समीन ऊपर नहीं आ रही है तो आप उसका ऊपर वाला हैच खोल पहले तो समरीन में आधे लोग तो घुसने ही मना कर देते हैं समरीन के अंदर क्योंकि एक हैच होता है हार्डली वन मीटर डाया तो उसमें घुसने ही आप जाओ तो आपको लगेगा क्लोस्टोफोबिया अगर क्लास्टोफोबिया है तो आप तो समरीन के पास भी नहीं जाएंगे तभी वॉल्टियर होता है एक तो किसी को क्लास्टोफोबिया है या कुछ भी है तो उसके बाद जब आप अंदर गए तो स्केप आप कहीं भी खोलेंगे तो पानी का होगा तो टोपेटो ट्यूब में क्या होता है कि एक आगे दरवाजा होता है ट्यूब होता है और एक पीछे दरवाज़ा होता है तो जैसे हम पीछे खोलते हैं टॉप टॉपेडो लोड करते हैं उसको बंद करते हैं फिर प्रेशराइज़ करते हैं फिर बाहर का खोलते हैं और फायर करते हैं टॉप टॉपेडो तो इसी तरीके से मतलब इट्स अ सिस्टम जिससे लोग निकल सकते हैं तो आपने बाहर का बंद किया पीछे का खोला लोगों को अंदर डाला ठीक है फिर एक बंदे ने उसमें धीरे धीरे पानी पीछे का बंद किया पानी फिल किया प्रेशर इकोलाइज किया अंदर बाहर का और फिर दरवाज़ा खोला और फिर लोग स्केप कर गए तो ये बहुत ही क्लस्टोफोबिक होता है मतलब मैंने गोताखोरी कर रखी थी पहले से फिर भी वो जो सूट पहनते हैं एक तो वो ड्राई सूट होता है ड्राई सूट मतलब जैसे कि हमने रशियन से टेक्नोलॉजी ली है तो वहाँ पे वाटर्स भी बहुत ठंडे होते हैं और वैसे भी समुन्द्र के पानी आपके टच रहेगा तो पूरा खा जाएगा आपका स्किन तो ये ड्राई सूट होता है तो उसमें आपका आप पहनते हैं ऐसे करके पूरा ऊपर तक उसके बाद यहाँ से आप ऐसे पूरा कर लेते हैं मास्क यहाँ पे रहता है तो मास्क में क्या रहता है दो आँखें सिर्फ बाकी कुछ बाकी कुछ नहीं और एक मुंह पे डुडा रहता है जिससे कि एयर के लिए ठीक है तो जस्ट इमेजिन योरसेल्फ सेल्फ यू आर फुली कवर्ड विथ टू आइज यू कैन सी लाइक दिस थोड़ा थोड़ा एंड यूर ब्रीदिंग फ्रॉम योर माउथ एंड यूर फुली कवर्ड और वो सूट पहना हुआ है वो ऐसे करके टाइट ये भी नहीं कि आपने एक बटन दबाया और सूट खुल गया नहीं उसको ऐसे मरोड़ के और उसको लॉक कर दिया जिससे कि पानी ना घुसे आप पानी में जाएंगे हाँ। तो कहीं से लीक की कुछ हुआ तो पानी तो अंदर आने जाए जाएगा वो आपके तो सब नाक में जाएगा वो पहन के पहले तो वो पहनना ही बहुत होता है आपको ऐसे ही दिख रहा है तो आप थोड़ा जैसे कि घोड़े को नहीं बना देते हुए वैसा उसके बाद वो पहन के आपको एक टॉपर ट्यूब में घुसना है जिसमें इतनी जगह होती है आप बस ऐसे करके घुसते हैं छोटा सा ही होता है क्रॉल करके हाँ सिक्स हंड्रेड एमएम के आसपास तो क्रॉल करके आप अंदर जाते हैं तो वैसे ही सांस फूलने लगती है आप, अब आपके पर, समझ लीजिए एक ट्यूब में आप जा रहे हो और कुछ नहीं दिख रहा है अब जाते देख जाने में ही तो तीन लोग इतनी लेंथ होती है कि तीन लोग बैक टू बैक हो सकते हैं तो एक बार में तीन लोग स्केप करते हैं तो फिर आप वहाँ तक स्पेशली जो सबसे आगे वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा डेंजर रहता है तो तीनों चले गए अंदर तो आपकी सांस फूली आप मतलब आप ऐसे करना भी चाहो तो नहीं कर सकते उठना भी चाहो तो नहीं सकते ऐसे आप लेटे हुए हो एंड यू आर इन द ट्यूब यू कैन डू एनी थिंग ठीक है ओनली यू हैव वन थिंग मेटल पीस इन यो हैंड टक वो बाहर से पूछेगा टक आर यू ओके यू विल से टक आई एम ओके और अगर, अगर इमरजेंसी हो जाए आपको लगा कुछ नहीं ये वो क्या हो रहा है टक 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 आप करोगे तो फटाफट फिर सबको खींच के बाहर निकालेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम आप अंदर हो उसके बाद आप बस ऐसे देख रहे हो फिर वो लोग धीरे धीरे सबसे पूछेंगे ठीक है पहुंच गए अपनी जगह में पीछे का बंद कर दिया फिर धीरे धीरे पानी भरना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे आंख से देखोगे कि पानी यहाँ तक आया यहाँ तक आया वो आप पानी के नीचे आ गए तो ये क्या हो गया यू आर इन विद कहीं मुंह से पानी ना आ जाए कहीं से लीक ना हो जाए मगर साइकोलॉजिकली एंड देन जब वो पानी भर दिया देन दे प्रेशराइज थोड़ा एयर कॉलम ऊपर छोड़ के प्रेशराइज करते हैं बाहर के प्रेशर के बराबर नॉर्मल करने के लिए हाँ। तो वो प्रेशर फिर आपके वो कान पे आपको प्रेशर आता है तो आपको घुटक के उसको इक्वलाइज करना होता है क्योंकि कान के दो पर्दे होते हैं उसके बीच का वो हो गया उसके बाद फिर वो सामने का डोर खोलेंगे एंड देन यू हैव टू गो आउट एंड देन कम अप टेन मीटर्स वर्टिकल ऑन टॉप दिस इज द बेस्ट पार्ट कि भाई रिलीफ सो इट इज सच अ थिंग कि यू हैव टू टेल योर सेल्फ्री आई विल नॉट पैनिक मैं नहीं घबराऊंगा मैं नहीं घबराऊंगा सांस नहीं आ रही कोई बात नहीं दस पंद्रह मिनट की बात है तो जो लोग ये वाली ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं कंप्लीट आपको ये बैच नहीं मिलेगा आप समरीन क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सर एक क्वेश्चन इसमें लास्ट वाले लोग कैसे आएंगे तो एक निकला फिर उसके पीछे हाँ आप तीन निकल गए हाँ लेकिन जिसने बाहर बंद करो ड्रेन करो फिर से, से

वैसे ही कर सकते हैं और वो कॉरिंग टावर होता है उससे भी स्केप होता है तो अलग अलग होता है कॉरिंग टावर होता है वहाँ से भी स्केप सिखाया जाता है आप टोडो ट्यूब से भी सिखाया जाता है बट ये क्रुशल ई बोलते हैं स्केप ट्रेनिंग स्कूल सबमरी का मैकेनिज्म कैसे होता है कैसे ऊपर से पानी से वो नीचे जाता है डूबता क्यों नहीं है बीच में ही रहता है कि एकदम नीचे खाट लाइक व्हाट इज इट टेल मी तो पंडुब्बी एक तो पूरा राउंड होती है लाइक 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 सो इट्स अ टीआर ड्रॉप शॉप बोल टीआर ड्रॉप शेप बोलते हैं या आप समझ लो ऑल राउंड लाइक सिगार और तो उसमें एक कॉर्निंग टार होता है बीच में ओके okay. ठीक है सो समरीन ऑलमोस्ट एटी परसेंट पानी इवन आप पूरा सरफेस भी कर देंगे तो एटी परसेंट पानी के नीचे रहेगी ठीक है तो समरीन मतलब मतलब सम, शिप पानी के ऊपर तैरती है ना तो काफ़ी पार्ट तो पानी के नीचे रहता हाँ, है थोड़ा ऊपर रहता तो है एट्टी परसेंट सबमरीन नीचे ही नीचे ही रहती है अगर आप पूरा भी उसको ऊपर लाने की कोशिश करें तो ट्वेंटी परसेंट ऊपर रहती है तो यूजुअली सारे सबमरीन जो ऑपरेशंस होते हैं वो पानी के बहुत नीचे मतलब स्टेबल पानी में जो ग्राउंड होता है वहाँ पर जाके स्टेबल होती है सबमरीन वहाँ से होते हैं कि नहीं वो चलती रहती है नहीं नहीं वो ग्राउंड पे हम कभी जाते रहते हैं ज़्यादातर अवॉइड करते हैं क्यों यूज़ करते हैं सबमरीन को सो सबमरीन ऑल्सो लाइक मार्कोस इट इज़ अ स्टेल्थ वेपन मतलब एनिमी सबमरीन को नहीं पकड़ सकता नाइन्टी नाइन परसेंट इंडियन ओशन तो इतना टर्मोइल रहता है वहाँ पे तो समरीन भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं बिना एनिमी को पता चले समरीन को डिटेक्ट करते हैं सोनार से सोनार होते हैं जैसे रडार ये, में, ये, में होता है सोनार तो बहुत सारी नॉइज़ होते हैं समुंदर में तो समरीन को सो समरीन इज़ ऑल्सो वेपन प्लेटफॉर्म जो कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं सपोज वी टेक पाकिस्तान एज अ थिंग उनका पोर्ट किधर है तो वहाँ जाके हम अपनी सबमरीस को आसपास पास वहाँ पर डिप्लॉय डिप्लॉय कर देते हैं वो जैसे आपने बोला नीचे बैठ जाती है तो कई बार हम लोग डेप्थ अगर ज़्यादा ना हो वो भी करते हैं और क्वाइट एक तो उनका मूवमेंट देखते हैं सोना स्पाई मिशन कि कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है क्या है क्या है एंड सेकेंड यू कैन अटैक विद योर टॉर्पिडोज़ एंड मिसाइल्स अब क्या फ़ायदा होगा अगर मैं एक पोर्ट को अटैक करूँ

नाइंटी परसेंट प्लस नाइंटी फाइव पर्सेट ऑफ ट्रेड हैप्पन्स थ्रू सी एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन मिडल ईस्ट एंड रशिया एंड ऑल फॉर ऑइल डीजल ऑल हाउ डज इट कम सी सै थ्रू द सी इफ यू ब्लॉक सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ कंट्री द कंट्री इज ऑन इट्स नीज इन मैक्सिम सेवन टू टेन डेज लाइक अ कंट्री लाइक पाकिस्तान पिच हेज़ ओनली वन ग्रेट हार्बर कराची हार्बर hmm. एक और वो बना रहे हैं अगर दुनिया को या आपने ही बता दिया कि एक हिंदुस्तानी समरीन वहाँ पे घूम रही है लड़ाई का चांस है तो कौन अपनी शिप लेके वहाँ पे आएगा hmm. इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी शिप का क्रू तो तस्वीरियन क्रू है मरचेंट वाई जाने से मैं और था था जो उसका ओनर है वो कह भैया क्यों भेजो मेरी तो इतनी करोड़ों की शिप है मैं नहीं जाऊँगा आपने क्या कर दिया just with the news that Indian submarine is lurking in near in the Arabian Sea near Karachi Harbour, आपने उनका गला पकड़ गला पकड़, लिया। गला पकड़ लिया and it happened during the Kargil Kargil and later on escalations, we did almost economic blockade. क्या किया हमने अपना कर दिया कि पंडुबी है हमारी it came in some BBC news and all that mm. trade रुक गया पाकिस्तान डेंट हैव एविएशन फ्यूल फॉर इवन सेवन डेज उसने अपनी सारी कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी कि मुझे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में चाहिए पड़ेगा क्योंकि कोई नहीं आने को तैयार हार्बर में सो डेट इज़ द माइट ऑफ द नेवी डेट इज़ द माइट ऑफ समरीन क्या नाइन्टी परसेंट कंट्री आप ट्रेड रो ट्रेड रोड तो, तो ना आपके पास फ्यूल आएगा जो कि आपको लड़ाई के लिए चाहिए ना आपके ठीक है राशन आपने अगर बना लिया तो बना लिया ना आपका हार्डवेयर आएगा ना मिलिट्री एड आ पाएगी कुछ नहीं आ पाएगा आपके पास तो ये बहुत बड़ी चीज़ दैट्स वाई नेवीज आर इंपॉर्टेंट कितने टाइप की सबमरीन होती है तीन चार टाइप की बहुत तरीके की बहुत सारी होती सबसे एडवांस सबमरीन कौन सी होती है एस एल बी एम समझ लीजिए आप मतलब ले टर्म्स न्यूक्लियर पावर्ड जिसका इंजन न्यूक्लियर पावर पे चलता है और जो न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सके डैट इज़ अ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सबमरीन और वो क्यों ज़रूरी है आप बोलोगे क्यों भाई न्यूक्लियर वेपन हम कोई हम पे करेगा तो हम उसको वापस हाँ। फायर कर देंगे एक तो हमारी और आई टेल यू स्पेसिफिक टू आर कंट्री हमारी डॉक्ट्रिन क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज़ कि हम पहले नहीं चलाएंगे चलाएंगे हमारा पहला वैल्यू है कि भाई हम हमने न्यूक्लियर वेपन ले लिया है हम जानते हैं डेंजरस है बट हमने सेल्फ डिफेंस में लिया है ये ब्रह्मास्त्र है हमारा और हम आप पे पहले नहीं चलाएंगे आपने चलाया तो हम चलाएंगे अब आपने चलाए तो हम चलाएंगे क्यों हम डेंजर में हैं क्योंकि पहले वो चलाएगा हमें पता नहीं कब चलाएगा और जब उसने डिसाइड कर लिया हमारे एनिमी ने कि वो चलाएगा तो उसने हमने कहाँ रखा है अपना न्यूक्लियर वो डिस्ट्रॉय करने की को कोशिश करेगा उसके पास भी सैटेलाइट इमेजरी है सब कुछ है तो छुपाना एक दिक्कत की काम है तो अगर आप ये अपनी न्यूक्लियर मिसाइल जिससे आप काउंटर अटैक करना चाहते हैं अगर आपने उनको पनडुब्बी में लगा दिया तो पनडुब्बी ढूँढना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सो एज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं एंड आर पॉलिसी ऑफ नो यूज़ न्यूक्लियर सब विद न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स सबसे ज़रूरी है सो so डैट कोई एनिमी फिर पता है भाई मैं कुछ भी कर लूँ ज़मीन में कुछ भी देख लूँ मगर इनकी किधर है अगर मैंने इन पर न्यूक्लियर वेपन फायर किया तो ये तो दस मेरे ऊपर फायर करेंगे और लीगली करेंगे भाई आपने पहले ये गुस्ताखी करी तो हमारे पास बहुत सारी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन बहुत सारी तो नहीं है हमने प्रोग्राम बहुत पहले शुरू किया था फर्स्ट ऑफ ऑल सबरीन सबसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म होता है बनाना अमंग एवरीथिंग कितने लोग सबमरीन में एक टाइम पे जा सकते हैं साइज के ऊपर डिपेंड करता है बट जनरली अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी और स्मॉल सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन में ज़्यादा होते हैं सौ से ऊपर हो सकते हैं सौ लोग मैक्सिमम ना नहीं साइज के ऊपर डिपेंड करता है और एक सबमरीन के अंदर क्या क्या होता है वो भी तो एक बहुत बड़ा शहर है चालीस <laughs> <laughs> लोगों का एक नया शहर करेक्ट hmm. आपको वही सब काम करना है जो शिप पे है पांच-छह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है सबमरीन में सबमरीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई आपको अपना वातावरण मॉनिटर करना hmm. कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या है ऑक्सीजन लेवल क्या है हाइड्रोजन लेवल क्या है या एबनोक्शियस गैसेस जो आपके क्या कहते हैं फ्यूम्स फ्यूल से आता है या बैटरीज होती हैं तो बैटरीज भी आप देखोगे बैटरीज एसिड होता है अंदर तो उनके भी फ्यूम्स बाहर होती हैं तो हाइड्रोजन एलिमिनेटर्स होते हैं कि हाइड्रोजन बढ़ गया तो ब्लास्ट हो जाएगा तो टू टू अ चेक ऑन द एटमोसफियर बिकॉज समरीन डूबी डूबी रहती है उसको फ्रेश एयर तो मिलती नहीं है तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कहीं ज़्यादा बढ़ गया तो एवरी विल फेंट एंड डाई तो ये एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है क्या? हाँ, दो अलग अलग जगह होता है एंड इट इज मॉनिटर्ड मेनली बायल एंड ऑफको दीम्स और also. क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है सब मरीन के अंदर सब मरीन के अंदर then are all systems. कि जैसे कि दे हैव टू बी प्रेशर टेस्टेड दाने से पहले आपका हल में कोई क्रैक नहीं है आपकी जितने पाइपलाइंस हैं हज़ारों पाइपलाइंस होते हैं डीजल पाइपलाइन सी वाटर पाइपलाइन फ्रेश वाटर पाइपलाइन जो कि समुंदर से डी वाटरिंग पाइप तो ये सब प्रेशर टेस्टेड हैं कि नहीं उनके वॉल्स होल्ड कर रहे हैं कि नहीं उनका नॉन रिटर्न वॉल्स कर वरना आप गए और पानी भर गया एंड यू विल सिंक लाइक अ लाइक अ स्टोन सो देन एवरी मशीनरी जैसे आप समुंदर एक तो सम्रीन बहुत धीरे धीरे चलती है

अरेबियन सी में कहीं पे हो आपके अपने लोगों को नहीं पता आप किधर हो सिर्फ हर 24 घंटे में एक बार एक समरीन बस एक पिंग करके बताता है एक एक रिपोर्ट बनाता है चेक रिपोर्ट बोलते हैं कि मैं इधर हूँ जो पकड़नी होती है यहाँ पे 24 घंटे में उसके बाद अगले 24 घंटे तक किसी को नहीं पता तो अगले चौबीस घंटे के लिए वेट करता रहता है प्रॉपर यहाँ से मोनिटर जो कर रहे हैं अगर चौबीस घंटे में नहीं आया तो अलर्ट हो जाते हैं कि क्यों नहीं दिया समरीन ने तो उसकी भी ड्रिल्स होती हैं सब मिस सिग्नल होता है कि समरीन, समरीन मिसिंग फिर क्या होता है सो देन यू वेट फॉर सम टाइम देन यू लुक फॉर रेस्क्यू यू ट्राई टू कम्युनिकेट तो पूरे शिप शिप्स उस एरिया में भेजना शुरू करते हैं सो so, समरीन पर से एवरी थिंग ज़ क्रिटिकल ह्यूमन एक्शन इज़ वेरी फास्ट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड तो रिटेंडेंसीज रखते हैं अगर एक चीज़ चाहिए तो हम दो रखते हैं और वेपन्स हाँ. होते हैं सबमरीन हाँ टॉपडोज माइन्स होते हैं आज कल तो मिसाइल्स भी होते हैं और आज कल तो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी होते हैं तो आपने बताया न्यूक्लियर मिसाइल राइट उसको टेस्ट कैसे करते हैं क्योंकि मेरा यह सबमरीन है वो मेरा न्यूक्लियर सबमरीन है अभी सही टाइम पे लॉन्च हो जाएगा फटेगा वर्किंग है नहीं है इसके लिए भी कुछ तो एक आपने कंटिजेंसी प्लान होगा ना आपके पास कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा बहुत अच्छा और ये चलता भी है कि चल नहीं चलता है <laughs> <laughs> तो कैसे टेस्ट करती हो कि ये न्यूक्लियर वाला जो सबमरीन है ये चलने वाला सबमरीन है तो उसको सही जगह डिप्लॉय करके रखते हैं नहीं नहीं एक तो मिसाइल चलेगी कि नहीं चलेगी उसकी बात करिए ना आपने तो देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स है इसके हम सिमुलेशंस करते हैं पहले कंप्यूटर सिमुलेशन पहले ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग बनती है कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं फिर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ठीक है नॉर्मल प्लेटफॉर्म जिसको हम ले जाएंगे नीचे और फिर डमी मतलब आप वॉर हेड नहीं डालेंगे तो एक स्टेज बाई स्टेज सारे सिस्टम चेक किए जाते हैं उनकी फॉल्ट निकाली जाती है इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस मतलब आप समझ लीजिए एक न्यूक्लियर समरीन को डेवलप करने में 20 से 25 से 30 साल लग जाते हैं आज के ज़माने में भी। आज के ज़माने में और आज के ज़माने में न्यूक्लियर सबमरीन्स गिन के लेस देन टेन कंट्रीज उनमें से एक इंडिया इंडिया है पाकिस्तान के पास है नहीं उन्होंने जो बम भी बनाए चोरी करके बनाया और कुछ नहीं किया हमें कैसे पता कि उनके पास नहीं है पता रहता है काफ़ी इंटेलिजेंस रहती है इनफैक्ट एक एक बुक है जिसका नाम है जेन्स फाइटिंग शिप ओके ठीक है तो उसमें आप हर कंट्री का आप खोलेंगे ना तो हर कंट्री का चिट्ठा <laughs> आपको मिल जाएगा बट इट विल बी प्रॉब्ली एटी परसेंट ट्रू ओके में सम चेंजेस बट जैसे आपने बोला नाउ डेज एवरीबडी नोज एवरी थिंग एंड देन यू हैव टू सी हाउ टू हाउ टू गेट सो अब आपने जैसे बताया है कि न्यूक्लियर सबमरी न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत बहुत ज़्यादा

प्रोटोटाइप बना के प्रोटोटाइप मतलब जो एक्चुअली समरीन पे फिट होना है वो हम लैंड पे ही बना के वही कंडीशन सिमुलेट करके उसको हम करते okay. हैं वो हो गया वो भी पूरा टेस्ट hmm. कर करके इमरजेंसी कंडीशन सब कुछ करते हैं अब जैसे मिसाइल फायरिंग है hmm. तो मिसाइल का भी जैसे मैंने बताया पूरे सिस्टम्स को इंडिविजुअली चेक करके फिर अल्टीमेटली उसको एक प्लेटफॉर्म नॉर्मल प्लेटफॉर्म लेके उसमें डमी वारेंट आप लगाएंगे आप एक्चुअल वारेट नहीं लगाएंगे ठीक है वो करके कि कैसे रिलीज़ हुआ क्या प्रोजेक्टाइल हुआ क्या हुआ तो हम टेस्ट फायर आपने कभी न्यूज़ में देखोगे कि ऑफ उड़ीसा ऑफ दिस आइलैंड इंडिया टेस्ट फायर दिस मिसाइल तो मिसाइल पूरी जाती है वॉर हेड नहीं होता उसमें क्योंकि ब्लास्ट नहीं करना चाहते हम तो कैसे गई क्या हुआ अब वॉर हेड को हम अलग टेस्ट कर लेते हैं अपने वॉर हेड मतलब जो ब्लास्ट करेगा ओके एक तो बॉम्ब हुआ आपका विच इज अर हेड विच विल एक्सप्लोड ओके और दूसरा तो पूरा आपकी मिसाइल तो भाई कैसे जाएगी उसमें आ, तो मिसाइल बिना वॉरहेड के, के मतलब बिना बॉम के वो जाएगी वो जाए वो हम देखते हैं भाई कैसे टेक ऑफ किया कौन कहां सा गिरी कहाँ कितना रेंज था कितना एक्यूरेट थी नेविगेशन सिस्टम होता है तो आपने बोला भाई वो ओ पे जानी चाहिए तो आपने उसके कोऑर्डिनेट्स फिट किए फिर लेके क्या पाथ लिया इसने कैसे गया कैसे लो फ्लाइंग सी स्कीमिंग बोलते हैं करके उधर ही मारा ओ पे मारा कि एफ पे मारा फिर अगली बार इम्प्रूव करेंगे इम्प्रूव करेंगे तो ऐसे कई बार टेस्ट फायर करते हैं और है। वॉर हेड जो होता है जो बॉम होता है हाँ। उसको कैसे टेस्ट वो करते वो, वो उनके लैब्स वगैरह में अच्छा वो टेस्ट होके ही आते हैं उसको आर्मी टेस्ट नहीं करती कहीं पे भी नहीं तो आर्मी विटनेस करती है जैसे अपना डीआरडीओ कोई मिसाइल डेवलप करता है कोई वॉर हेड डेवलप करता है तो आमी इज़ द क्लाइंट तो आमी के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं आमी ही उनको बताती है क्यूआर सेट करती है मॉनिटर करती है वो लोग अपने लैब्स में करते हैं फिर आमी ही अप्रूवल देती है कि दिस इज़ फिट जस्ट लाइक अ टैंक हो गया जैसे ए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया तो एंड यूज़र जो है आर्मी नेवी और एयरफोर्स वो लोग उसे उसके टेस्ट पायलट जाते हैं चेक करते हैं हर टेरेन में चेक करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में चेक करते हैं और फिर बोलते हैं नहीं यहाँ पे ये था ये था फीडबैक देते हैं करते करते दैट्स टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप कर बट लैब टेस्ट होता है वो रियल लाइफ रियल कंडीशन में टेस्ट नहीं होती इट्स जस्ट जैसे कि आप मान सुना के हो चला कि ये लैब में वर्क किया तो अभी रियल लाइफ में वर्क करेगा देखिए अगर आप न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट को भी कर रहे हैं एग्जैक्टली बट टू बी वेरी श्योर वी डिड द पोखरन ब्लास्ट विद अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड अब्दुल कलाम जी सो जितनी हमारी रिसर्च थी वो अल्टीमेटली फिर हमने बहुत बड़ा ट्रेंच खोद के फिर उसको ब्लास्ट करके देखा देखा कितने शॉर्क वेव्स आए कितना एक्सप्लोसिव था सो डैट बिकम्स अ प्रूफ टू वैलिडेट योर एवरीथिंग एल्स बट यू कैन गो एंड डू एवरी डेस्ट हाँ So, you have to rely on simulations. And yes, we. have seen North Korea. Karta hai. <laughs> have, you, have you heard that? <laughs> yeah, yeah. North Korea does. That is another very.

फिर हम एक्चुअल करेंगे ऊपर से मारा फिर टोपेटो से मारा तो सब कितना रहते हो कितने दिन तक अंदर रहना पड़ता है किस कितने ड्यूरेशन ऑफ द मिशन इज जनरली डिसाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ राशन यू कैन कैरी ऑफकोर्स ह्यूमन इंड्योरेंस इज ऑल्सो थिंग बट ह्यूमन बींगस कैन अटेन

दैट इज जनरली मतलब सम एक्सट्रीम कंडीशन में एनिमी है ऊपर एंड देन यू गेट्रा तो थोड़ा बढ़ जाता है बट जनरली फाइव डेज एंड दीज मिशंस आर स्टेल्थ मिशन तो अदर इट डिपेंड्स ऑन योर मिशन वॉट योइंग सपोज यूर जस्ट अगर आप सिर्फ एक ट्रायल के लिए जा रहे हैं या तो आप जा रहे हैं सपोज़ कि किसी शिप में नया सोनार फिट हुआ है hmm. तो उसको टेस्ट करना है hmm. तो वो आप जाएंगे आप रन करेंगे सिमिलर कंडीशन में आ जाएंगे बट जो मेन मिशन होते हैं स्टेल्थ मिशन स्पाई मिशन तो जनरली वन मंथ टू फोर्टी फाइव डेज फॉर अ डीजो इलेक्ट्रिक समरीन न्यूक्लियर समरीन से ज़्यादा इंड्योरेंस न्यूक्लियर समरी ज़्यादा बड़ी भी होती है तो इट विल डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ समरी वो सौ दो सौ दिन रह सकते इतना तो जनरली नहीं रहती बट येस ओके okay. एंड mm -hmm. आप सबसे ज़्यादा टाइम कितने टाइम रह चुके हैं पानी <laughs> मेरा आई थिंक वराउंड थर्टी फाइव डेज थर्टी फाइव डेज जब आप थर्टी टू फोटी फाइव डेज थर्टी फाइव डेज अगर आप पानी में रहते हो इतने लंबे समय तक बिना सनलाइट के प्रेशर नहीं है मल्टीपल चीज़ें क्या हो जाता है बॉडी को बॉडी कहते हैं भाई वापस कब जा रहे हैं ले चलो जो वापस यू आर वेटिंग यू आर वेटिंग टू सी दैट ट्रैफिक लाइट पीपल होम एंड स्पेशली इन नॉर्मल डीजो इलेक्ट्रिक सबमरीन्स पानी बहुत बड़ा कंस्ट्रेन होता है बिकॉज वी कंजर्व वाटर ऑफकोर्स हमारे पास आरओ प्लांट्स होते हैं जो कि सी वाटर को बनाते हैं बट यू कैन रियली ड्रिंक इट तो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह सब शॉर्टेज में होता है और पानी भी तो वी ऑल हैव अ थिंग थिंक कि भैया पानी बचा के रखो तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक बाथ इन अ सबमरीन तीस दिन तक नहाते नहीं, नहीं हो नहीं यू आर नॉट अलाउड टू शेव ऑन अ सबमरीन बिकॉज इफ यू शेव यू विल चोक द देखिए hmm, जो भी आप करेंगे अंदर यू हैव टू पुश इट आउट ऑफ द देयर पंप्स इवन योर स्टूल एंड एवरीथिंग यू विल डू इट मतलब देयर इज इज अ अ प्रॉपर सिस्टम फॉर इट व्हिच वेरी क्रिटिकल सिस्टम इन अ सबमरीन क्योंकि Aha. अगर आपको टॉयलेट खराब हो गया तो hmm. टॉयलेट में क्या है एक तो कमोड हो गया नॉर्मल उसके बियॉन्ड तो हम सोचते ही नहीं है hmm. और सबमरीन के अंदर आप पानी के नीचे बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो ऑल द स्टूल इज कलेक्टेड इन इन अ हाई प्रेशर बॉटल ओके ओके एक एक बॉटल में कलेक्ट होता है ओडराइजेशन हाँ। सिस्टम सब होता है मतलब उसके वॉल्स वॉल्स होते हैं तो जब वो भर जाता है तो उसका इनलेट बंद किया जाता है एंड देर इज अ प्रॉपर ड्रिल बाई विच यू हैव टू गिव प्रेशर एंड देन ओपन द आउटलेट एंड ऑल दिगर गोज आउट एंड देन यू टू क्लोज क्लोज इट इट सो है बाहर so का प्रेशर वापस ना आए नेक्स्ट इज एवरी डे यू जनरेट गैश बोलते हैं जैसे हम क्या मतलब है? गैश माने योर डस्टबिन इन द हाउस आपने ब्रेड खाई उसका रैपर, वो सब्जी तो वो अब लोग रह रहे हैं अब वो आप कितना भरेंगे सब पे? वो भी आपको बाहर करना है तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है तो उसकी ओपनिंग काफ़ी बड़ी होती है तो इट्स लाइक अ सिलेंडर उसमें एक आउटसाइड एक हैच होता है एक इन जैसे टॉपटो ट्यूब में होता है वही सिस्टम है तो आप उसके अंदर पूरा उसको गैश मतलब प्लास्टिक बैगस में डालते हैं फिर उसके अंदर सिंकिंग के लिए डालते हैं यानी कि आपने किया और वो सब ऊपर hmm. फ्लोट कर रहा है सिंक उसको करके उसको पूरा भरते हैं फिर उसे बंद करते हैं फिर उसमें प्रेशर पानी भर के प्रेशराइज करते हैं बाहर के प्रेशर के बराबर एंड देन यू ओपन द आउटर हैच एंड फ्लश इट आउट एंड देन अगेन क्लोज इट सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल ऑपरेशन बिकॉज बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया तो फ्लडिंग हो जाएगी वहाँ से बिग ओपनिंग सो आर वेरी थिंग्स इन द सबमरीन क्या क्या नहीं कर सकते हो आप सबमरीन के अंदर बोल दिया शेविंग नहीं, शेविंग नहीं, नहीं कर सकते नहीं नहा नहाते सकते. भी नहीं है ठीक है और क्या बस यही दो चीज़ मेन है <laughs> आप रेडियो नहीं सुन सकते आप फोन नहीं कर सकते कोई नेटवर्क नहीं है यू नॉट गेट इंटरनेट क्या अलाउड क्या नहीं होता जो बेसिक लोग कर सकते हैं बाहर वाले मशीन पर सब मरीन के अंदर नहीं आवाज़ करना व्हाटएवर लाइक व्हाट आर द बेसिक रूल्स अब बेसिक रूल्स ठीक है यस yes, आवाज़ का ये है जब अल्ट्रा क्वाइट सिचुएशन हो, होता है तो उसमें यू हैव टू बी दिस थिंग अदरवाइज समरीन में वन इज़ दैट एवरी फोर्थ डे यू गेट न्यू सेट ऑफ क्लोज टू वेयर यूनिफॉर्म एवरी फोर्थ डे क्यों? बिकॉज देन यू है <laughs> so दर the other side of the story। तो अंदर वो air conditioned होता है, pressure होता है। किस? Air conditioned होता है, but आपके machinery compartments, engine room वगैरह में काफी warm हो जाता है। Living space में we try to make it uh, uh, good for people, but काफी सारे compartments होते हैं जहाँ पे air conditioning नहीं होती है। और कितने घंटे सोना allowed होता है? Again, your sleep is broken। Hmm. Submarine में three hours watch होता है against four hours watch shift में। थ्री आवर्स ऑन सिक्स आवर्स ऑफ एंड देन योर नॉर्मल रूटीन और okay. उसके बाद आप जब भी नींद स्टील कर सको कर लो इधर उधर और सबके लिए एक बिस्तर भी नहीं होता है इट इज लाइक ट्रेन यू नो ट्रेन में ए सी थ्री टायर और ए सी टू टायर बंक होता है ग्राउंड एंड अपट इज अड ऑफ अकोमोडेशन टू मेक समर इन दिस्ट्रिक्ट एंड वन थर्ड ऑफ दीपल आर ऑलवेज ऑन वॉच इन दमर इन साथ ही हो e तो नहीं सकता नहीं तो जरूरत ही नहीं है ना हाँ, फिर हाँ. जब सब एक साथ सुने नहीं वाले तो मैं सबके लिए बिस्तर so like तो तो है तो चालीस ही बेड होंगे हाँ और चालीस से भी कमी होते हैं क्योंकि जैसे टॉपडो कंपार्टमेंट होता है तो टोपोडो से लंबे लंबे होते हैं नाइन टेन मीटर लॉन्ग तो उनके नीचे जगह होती है तो लोग कहते हैं भैया उस अकोमोडेशन के बजाय यहीं पे गद्दा लगा लेते हैं यहीं सोते हैं तो पीपल स्लीप एक्चुअली द टोपेडो क्रू वो टोपेडो कंपार्टमेंट में ही सोते हैं कहते हैं इमरजेंसी भी होगी मुझे यहीं आना है तो मैं क्यों जाऊं पीछे तो रिस्की नहीं होता वो नहीं रिस्की समरी में हर चीज ही रिस्की है <laughs> <laughs> आ, मतलब मैं क्या ही बात कर रहा हूँ <laughs> <laughs> कितना और बढ़ा दोगे रिस्क Correct. क्या डाइट होती है आपकी जब अंदर होते <laughs> हो नहीं नहीं नॉर्मल डाइट तो नॉर्मली रहती है विद सम सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा जूसेस एंड एक्स्ट्रा एग्स सम कैलोरीज एक्स्ट्रा चॉकलेट्स मिलती है हैं हमें एक्स्ट्रा <laughs> जैसे मार्कोस में डाइट एक्स्ट्रा होती है तो <laughs> मार्कोस को क्या डाइट मिलती है <laughs> मार्कोस को एक्स्ट्रा मिल्क एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स का एक, एक एक होता है ऑल माय फ्रेंड्स वो सब सब मेरे जुगरी दोस्त बन जाते हैं कि बोलते हैं यार इसको एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलती है कुछ तो शेयर करेगा इज इट कंपल्सरी होता है नॉन वेजिटेरियन बनना मार्कोस को नहीं कहीं भी फौज में कंपल्सरी नहीं है क्योंकि अगर आप उतने ट्रेनिंग एनवायरमेंट में आपको कुछ भी आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप थर्टी थर्टी डेज कहीं जंगलों में या समुद्र के बीच में कहीं पर हो अब जो मिले खाना है तो खाएगा इंसान जो मार्कोस है बाई चॉइस वो वेजिटेरियन है ठीक है बाई वॉट एवर मे बी रिलीजियस रीज़न या बाई चॉइस पर उसे पता है कि भाई मुझे अपना मिशन अगर पूरा करना म, है मिशन फर्स्ट देन माई पीपल जो मेरे साथ लोग हैं और फिर मैं और मेरी फैमिली जो पीछे है तो तभी तो मार्कोस कुछ भी फेस कर सकता है तभी तो ट्रेनिंग इतनी टफ होती है तो खाना पड़े तो उस समय खाएंगे बट जब खाने की जरूरत नहीं तो नहीं खाएंगे तो बट ट्रेनिंग का तो... क्या पार्ट होता है अलग अलग चीजें खिलाते हैं जैसे स्नेक कैचिंग एक होता है स्नेक कैचिंग बताओ कैसे <laughs> <है। laughs> वो यहाँ नहीं बता सकता बट हाउ टू कैच स्नेक आई मीन आप स्नैक चामस देखते हो तो हम लोग को हमारा ट्रेनिंग सेंटर में एक स्नेक पिट होती है वहां पे सबको सिखाया जाता है हाउ टू कैच अ स्नेक हाउ टू रिकनाइज आप कैसे पहचानोगे ये डेंजरस स्नैक है पॉइजनस स्नैक है कि रैट स्नैक है uh, सी स्नै है है तो डेंजरस है कि नहीं मतलब अगर बाइट किया तो आपने स्नक देखा आपको पता है भाई ये पॉइजनस है तो मुझे लिखना मालूम पड़ा कि नहीं है पॉइजनस तो ठीक है ऐसे ही सब कुछ जैसे कि जंगल में सम फ्रूट्स आर देर सम लीव्स आर देर आप पहचान के सो so, जैसे जनरल रूल भी बताया जाता है जो भी लाल है चांसेस ऑफ इट बींग पॉइजनस और बैड फॉर यू जो लाल नहीं है दैट इज़ सपोज मतलब आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है तो ऐसे कन्वेंशन सिखाए जाते हैं पानी कैसे कलेक्ट कर लो सर्वाइवल इज कॉल्ड सर्वाइवल तो सर्वाइवल में सारी टेक्निक सिखाई जाती है ओके जब आप सबमरीन में होते हो तब साइक्लॉन्स आते हैं तो साइक्लॉन्स को कैसे हैंडल करता है सबमरीन इज द बेस्ट प्लेस टू बी अगर साइक्लोन आ रहा है क्योंकि समुंदर के ऊपर जो भी हो रहा है हमें नहीं अफेक्ट करता इनफैक्ट जब इन अ वे अगर आप शिप में हैं और आप समरीन में हैं और थंडर है स्टॉर्म है डिप्रेशन है hmm. और बहुत वेव्स हैं hmm. तो यू आर योर कंडीशन ऑन अ शिप इज़ वर्स देन अ पर्सन ऑन अ समरीन So, एक दो लोग थे मेरे साथ hmm. जिन्होंने समरीन ज्वाइन किया क्योंकि वो ज्यादा सीसिक होते थे <laughs> उन्होंने सोचा समरीन में आऊंगा तो समरीन थोड़ी देर ही ऊपर रहती है बाकी नीचे रहती फिर है फिर नीचे चली जाती है बट वो जो ऊपर रहती है इट लाइक अ बॉल तो उसमें ज्यादा होता है बट दैट इज ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर दैट मेजोरिटी सेलिंग यू आर अंडर वाटर तो सी सिकनेस इतनी नहीं होती है तो दैट वे स्टॉमर सीर ऑफ एवरी थिंग इज मोर अपलिकेबल फॉर शिप्स सबमरीन इज़ अ बेटर प्लेस पर कभी कहीं कहीं तो होते होंगे होल्स बन जाते हैं करंट्स होते हैं कहीं में बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उससे सबमरीन को फर्क पड़ता है वो जो हम नेविगेट कर रहे हैं तो उसमें ड्रिफ्ट होता है हुँ. तो इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल भी तो होता होगा अभी सो वी हैव अ सिस्टम टू चेक वी मतलब चार्ट्स होते हैं उसमें ओशन करेंट्स होते हैं तो यस दे कैन बी टाइम्स कि जहां हमने एक्सपेक्ट किया कि हमें आना चाहिए वहां नहीं पहुंचे बिकॉज ऑफ सम मे बी अन करेंट और सम और मे बी थोड़ा नेविगेशन एरर बट जनरली द होल सी मैप सी बॉटम इज मैप्ड ओके जैसे ऊपर हमारा मैप होता है आप कहीं जाते, जाते हैं bottom. वैसे ही सी के लिए चार्ट होते हैं दे कॉल्ड चार्ट सो उसमें डेप्थ कैसा प्रोफाइल किधर रहेगा वो मार्क रहता है कॉन्टूर्स टाइप तो क्या होता है समरीन के पास एक सोनार होता है जो कि डेप्थ जैसे एक अल्टीमीटर होता है वैसे एक होता है डेप्थ वो मेजर करता है सो वंस यू पिंक फ्राम यूर समरीन नो हाउ हाउ लो इज द ग्राउंड सो वो मैप करते करते हम लोग को मालूम पड़ जाता है अभी हम किधर होंगे और जनरली इस स्पीड पर जा रहे हैं और इतना टाइम हो गया सोनार है। की कितनी कैपेबिलिटी होती है कितना चेक कर सकता है सोनार की सी यू कैन चेंज द इंटेंसिटी आल्सो ऑफ द सोनार सो You the But do not so nice, क्योंकि आवाज कहीं और भी जाएगी बट देर इज सफिशेंट टू नो यस एंड टाइम केपेबिलिटीज कितनी होती है वो तो ये है कि आपका कितनी आपके पास टॉपिडोज हैं कितनी मिसाइल है. क्या क्या होती है हाँ तो, मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया टॉपिडोज होते मेन देन देर आर ऑल्सो माइन्स जैसे आप माइन कर सकते हैं किसी के हार्बर में आपने माइंस छोड़ दिए तो भी कोई शिप नहीं आएगा सो यू कैन थ्रू दिस टॉपिडो ट्यूब्स आप माइंस लॉन्च कर सकते हैं आप टोरपिडोज लॉन्च कर सकते हैं आप मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं वो हो गया प्लस कईय ये हॉर्जेंटल हो गया कुछ सबमरीन्स में आगे भी होता है पीछे भी होता है hmm. तो आपके पास छः टॉपिडो ट्यूब्स आगे हैं चार टॉप ट्यूब जैसे फॉक्सट्रॉट क्लास था रशियंस का उनके पास पीछे भी थे देन यू ऑल्सो हैव वर्टिकल लॉन्चर्स दे आर इन बिग जल ए न्यूक्लियस मरीन्स सो इन विच यू हैव वर्टिकल नीचे भी छोड़ सकते हैं नहीं तो वर, नीचे नहीं ऊपर के लिए है ठीक <laughs> है <laughs> तो बिकॉज uh, uh, क्या कहते हैं आपका uh, एक तो स्पेस कंस्ट्रेन है एंड यू डोंट हिट समथिंग बिलो यू विच इज रे दैट इज अनदर समरीन बट यू टॉपडो कैन गो डाउन एंड डू दैट सो यू डोंट हैव है आप मिसाइल्स ऊपर uh, भी छोड़ वर्टिकल लॉन्च सो दे गो दे ब्रेक सर्फिस

ट्यूब्स फॉर लॉन्च एंड उसके थ्री टाइम्स रहती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सो सपोज सपोज यू हैव फोर ट्यूब्स है बीच में होता रहती है, है, हाँ. क्या है कि समरीन एक ऐसी चीज़ है कि मोमेंट इट फायर इट्स पोजिशन गेट्स नोन जनरली hmm. और आपका जो इफेक्ट होता है एक ही बार में एक्चुअली बहुत है एक टॉर्पीडो कितना <laughs> डैमेज कर सकता है वो डिपेंड करता है कि शिप के कहाँ जाके लगता है अंडर वाटर ही लगेगा सो इट कैन सिंक वन टॉर्पेडो कैन सिंक एनी साइज ऑफ शिप एनी साइज ऑफ शिप आई मीन शिप भी वाटर टाइट होते हैं तो इफ़ दे आर एबल टू आइसोलेट द कंपार्टमेंट्स बट इट कॉजिज एनऑफ डैमेज शिप किसी काम का नहीं रहता दे ट्राइंग टू सेव द शिप एक सबमरीन की सैलरी कितनी होती है सैलरीज आर बेस्ड ऑन योर रैंक ओके हाँ सो इट इज रैंक बेस्ड ऑफिस का यू गेट अलायंस फॉर अबमरीन सो यू गेट एन एक्स्ट्रा पे फॉर फॉर बींग बट वो पे इतनी नहीं होती कि आप वो आपको मोटिवेट करे समरी नाम में रहने के लिए बट ठीक है आपको बैच मिलता है आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है आपको थोड़ा राशन भी एक्स्ट्रा मिलता है अलायंस इज़ अराउंड आई थिंक अराउंड एटीन टू ट्वेंटी थाउजेंड मोर देन अदर्स जो समरीन अलायंस जो मिलता है वो भी करेंट इट स्टार्टेड विद सेवन सेवन थाउजेंड से नहीं। नहीं। शुरू हुआ था पहले ट्वेल्व हंड्रेड होता था फिर थोड़ा बढ़ा फिर सेवन थाउजेंड सो फाइटर पायलट्स पायलट्स समरीनर्स मार्कोस इन लोग को स्पेशल अलाउंस मिलता है सो so, अगर इफ़ यू आर अ मार्कोस सोल्जर सोल्जर नॉट एन ऑफिसर तो कितनी सैलरी होती है लगभग वुड बी अराउंड आई मीन अगेन इट विल वेरी फ्रॉम सिक्सटी थाउजेंड टू टू लैक्स ओके एज यू गो अप सिक्सटी थाउजेंड टू लैख के बीच में होता प्लस अलाउेंसेस हाँ प्लस अलाउंसेस राशन इज फ्री फौज में

नहीं नहीं नथिंग टू वी हैव अ हायरकी सिस्टम विल 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 बी बी वन वन कमांडिंग ऑफिसर एडमिरल ब्रो हिम वी हैव यू नो सपोज 12 13 वाइस एडमिरल्स बिलो दैट वी विल हैव रियर एडमिरल्स लाइक दैट द हायरकी इज फॉलोड वेयर ए सिविल में क्या होता है दे हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेड कि भाई आप बी साल सर्विस में ये बने सपोज आप अंडर सेक्रेटरी बने तो आपके लोग बाई सिलेक्शन ऊपर चले गए तो उसके दो साल बाद आपको उसकी तनख्वाह मिलने लगेगी ठीक hmm. है जो कि आम फोर्सेज में नहीं है सो दर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वे एटलीस्ट इफ़ यू डोंट अगर आप उसको रैंक नहीं देते हैं तो कम से कम आप थोड़ा डिलेड रैंक दें टाइम स्केल दें बट आप उसको नॉन फंक्शनल अपग्रेड दें तो uh, क्योंकि स्टैग्नेशन फील ना हो feel ट्रू यू नो वन थिंग जो मेरे को फैसिनेट करती है आप बोले थे नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट ट्रेड पूरी कंट्री का लगभग सी से होता है राइट सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा जो ड्रग्स आते हैं ना कंट्री में इलीगल सारा ड्रग्स जो होते हैं वो भी सी से ही आते हैं तो हम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको उस प्रॉब्लम को रोक क्यों नहीं पाते देखिए आपकी सी कोस्ट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्सिंग इज़ आर सी कोस्ट एंड सी इज़ वेरी पोरस आपका बॉडर चेक पोस्ट तो है नहीं बॉर्डर पे तो आपने फेंसिंग कर दी ठीक है उससे नहीं आ सकते हैं वो जो कि हर जगह नहीं होता बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर भी लोग करते रहते हैं अब आप आप यहीं सोच लीजिए जैसे आपका बॉम्बे में वर्सोवा बीच है या कोई भी बीच है अलॉन्ग दी कोई एक छोटी सी फिशिंग बोट लेके बंदा अंदर आए आप कितना मोनिटर कर सकते हो आपने देखा भी बट हज़ारों की तादाद में शिप वो बोट्स फ़िशिंग बोट्स जाती हैं आती हैं पॉसिबल ही नहीं है आप वो छोड़ दो हम कश्मीर में थे जब हम मार्कोस में ऑपरेट करते थे तो कौन है टेररिस्ट? कोई लिख के, तो आता, के तो, आता तो आता नहीं है तो कौन है टेररिस्ट? टेररिस्ट वही है जिसके पास आपको ए के मिल जाए या कोई और बंदूक मिल जाए तो आप रात में चल रहे हो वो भी चल रहा है उसमें कमा पड़ गया आप हो उसने बंदूक फेंकी जी सर जो तो सिविलियन हो गया और आप आगे गए और मुड़ के उसमें लेके आपको तो तो मॉनिटरिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है आप एयरक्राफ्ट मॉनिटर कर सकते हो क्योंकि दिख रहा है। दिख रहा है आप ट्रैफिक भी रोड पे थोड़ा बहुत मॉनिटर जो आपका रोड क्रॉसिंग बॉर्डर क्रॉसिंग है बट आप समुंदर इतना वास्ट है हमारा आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो तो मर्चेंट मर्चेंटशिप हो गया या फ़िशिंग ट्रॉलर में जैसे पहले आए थे लोग बहुत ही मुश्किल होता है मॉनिटर करना आप कितनी भी मरीन पुलिस लगा लो आप कितना भी आ, रडार सिस्टम लगा दो क्योंकि ये देर क्योंकि वो तो बहरूपी बन के आ रहे हैं ना फिशरमैन बन के आ रहे हैं आप कितों के खोल के चेक करोगे उसमें मछली है कि एक्सप्लोसिव है बॉर्डर में लोग टनल बना के आ जाते हैं अंदर आपको कैसे मालूम पड़ेगा और एंड हमारा कितना वास्ट कंट्री है सिंगापुर टाइप तो है नहीं कि भाई छोटा सा कंट्री आपने फेंस लगा दिया तो इस वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी और एंड क्या उसको लगा कुछ है तो वो चला गया नोमैन्स लैंड इंटरनेशनल वाटर्स में चला गया तो इसे मैं तो कुछ नहीं कर रहा था मैं तो मछली पकड़ने आया हूँ तो इस बहुत ही मतलब हम जो भी बोलें सिक्योरिटी लैब से या है इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं पेट्रोलिंग होती है नेवी है कोस्ट गार्ड है कोस्ट गार्ड का प्राइमरी रोल होता है

तो नेवी भी चिपिन करती है और देखती बट फिर भी बहुत ही मुश्किल है किसी चीज़ को रोकना तो so आप बोल रहे हो कि ये जो इलीगल वेपन्स एक्सप्लोजिव ड्रग्स और टेररिस्ट एंटर करते हैं वाटर बॉडीज से इसको रोका नहीं जा सकता इसको रोका क्योंकि बहुत मुश्किल है आप बोल रहे हो मैं कि... बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल है तो इसके लिए अलग अलग वीन से एक तो एंट्री रोकना बहुत मुश्किल है तो आप इनका पूरी सप्लाई चेन क्या है आप देखिए चलो वहाँ से आता है आपको मालूम पड़ा गया नाइजीरिया से या यहाँ से ड्रग्स आते हैं या ठीक है जनरली ऐसे आते हैं फिर इनके डीलर्स कौन है लोकल एंटी सोशल एलिमेंट्स कौन है तो उनको आप स्पाई चेक करो क्योंकि अल्टीमेटली लैंड पे आएगा को इसकी कोई उसकी कोई साइकिल होगी कोई डीलर होगा कोई प्रोपराइटर होगा कौन स्पेट करता होगा सो फ्रॉम देर द सिक्योरिटी एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज को ट्रैक करते 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 और प्लांटा मोल एंड देन गेट बट बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है तो सी बॉर्डर्स से इतना सारी चीज़ें हो सकती है सेफ नहीं है बहुत सारी चीज़ें अंदर आ सकती है बट सी के अंदर भी क्योंकि नो मैं लैंड है बहुत ईजीली लोग आना जाना तो वहाँ पर भी बहुत हरकतें हो सकती है राइट एंड यूजली ऐसी हरकत करते हैं पायरट्स तो पायरट्स अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है सी पायरेट्स ये इट इज़ बिग इट इज़ बिग स्पेशली अफ्रीका अफ्रीका बॉर्डर द लॉर्ड ऑफ इट्स ऐसा उनके लिए तो एक धंधा है क्या धंधा है कि अरे लूट लो hmm. शिप पे तो बहुत चीज़ें होती हैं ठीक है तो और क्या है कि आपने शिप के क्रू को पकड़ लिया अब शिप में तो करोड़ों का सामान जाता है hmm. तो आपने हॉस्टेज बना लिया फिर आप ऑनर को बोलो शिप वाले को बोलेगा इन्होंने पाँच दिन भी मेरी शिप रोक दी तो मुझे इतने करोड़ों का नुकसान हो रहा है hmm. तो ठीक है अरे वो रैनसम ले, ले लेते हैं तो फास्ट क्विक क्विक बक मनी है तो इनफैक्ट इंडियन नेवी के हमेशा आजकल शिप्स रहते हैं और हमने काफ़ी मर्चेंट शिप्स बाहर के कंट्रीज के भी उनको भी सेव किया है और एक तो हमारा ऑपरेशन आपने देखा होगा ये वाटर पैराज्स करके हमने सेव किया कैसे किया? बताओ मुझे वो आप नेट पे देखिएगा ठीक है मार्कोस वाटर पैराजम्स एंटी हाईजैकिंग तो आपको वीडियो मिलेगा उसका कि कैसे माइल्स अवे इन सी एक मर्चेंट शिप को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने पायरेट्स ने पायरेट्स ने यहाँ से इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट उड़ा विद मार्कोस मार्कोस ने पैरा ड्रॉप किया क्योंकि हाई सी बहुत डिस्टेंस है अपनी जमीनी वो जो बोट मैंने बोला वो किया दिन में किया वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे रात की जरूरत नहीं थी पायरेट्स के पास इतने हाई हाईफाई वेपन नहीं होते कि वो उड़ा दे तो दिन में लैंड अच्छा। किया बोट लैंड करी आके और नाइनटीन टू ट्वेंटी पायरेट्स को गॉट द ऑन ट्रैक और वो इतना डर गए उसका सुन के एंड वी रेस्क्यूड दिस इज द लेटेस्ट मतलब जो हम ट्रेनिंग इतनी करते हैं दिस केम यूज एंड हमारी नाक और इंडियन नेवी की और मार्कोस की नाक बहुत ऊपर हो गई इंटरनेशनली इस ऑपरेशन के बाद सो so, आपने बोला कि पायलट के पास इतने वेपन्स नहीं होते अगर कोई ऊपर से आ रहा है तो उसको मार नहीं सकते तो हमने दूर जाके रेंज के बियॉन्ड ही हमने पैरा ड्रॉप किया हाँ बट फिर बोट में आए हो गए उनको हाँ तो पता नहीं चला दिखा नहीं उनको दे डोंट कीप अ वॉच दे कीप अ वॉच बट अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि हमने एक फायर किया ये तो सौ फायर करेंगे तो इससे बढ़िया सरेंडर कर दो एक बड़ी शिप को सात आठ पायरेट या दस बारह पायरेट कैसे झेल लेते मतलब कैसे हैक हाईजैक कैसे कर लेते जो ये मर्चेंट शिप्स में हो, होते हैं ये लोग बहुत कम होता है इनका क्रू ज़्यादातर ऑटोमेटिक ऑटोमेशन रहता है और क्रू बहुत कम होता है तो आप तो शिप में हो आप देख रहे हो आपको आप अपने आ, ब्रिज पर हो ब्रिज बोलते हैं जो जहाँ से नेविगेट होता है शिप तो अब ये लोग आते हैं बोट में अंधेरे में और लैडर लगा के और शिप इतना बड़ा होता है कि ऐसा भी नहीं कि सीसीटीवी कैमरे से पूरा कवर्ड है वो भी इतना ह्यूज वास शिप्स एंड आप दिन पर दिन चले जा रहे हो चले जा रहे हो तो आपका अलर्टनेस भी थोड़ा कम, कम और लोग भी कम हैं ठीक है तो ये लोग रात को रात आके लैडर डाल के फिर ऊपर चढ़ गए इनके पास कट्टा भी हो अगर आप कोई आ, आ, शिप पे गे कोई बंदूक लेके तो नहीं घूमते एंड इट नॉट एडवाइजेबल आल्सो किसी का दवा <laughs> खराब हो गया तो अपने क्रू को ही मार देगा <laughs> <laughs> तो थोड़ा वेपन्स होते हैं शिप पे बट मैं मर्चेंट नेवी की बात कर रहा हूँ <laughs> तो वो एक आर्मरी टाइप छोटे उसके अंदर होते हैं फॉर इमरजेंसी तो वो आपके दस लोग ऊपर आ गए तो आपको दबोच लेंगे जब तक तो आप अपना एस ओ एस करो जो भी करो तो आजकल क्या है कि मर्चेंट शिप्स एम्प्लॉय करते हैं कमांडोज़ को कि जैसे शिप जा रहा है उसमें वो लोग सब अच्छे कमांडोज़ ले लेंगे तो बाय रोटेशन दो दो घंटे मतलब दो दो तीन शिफ्ट में वैसा करेंगे कि ऐसी सिचुएशन आए तो ये कमांडोज़ तो मगर एक एडिशनल कॉस्ट हो जाता है ये शिप तो बहुत ही जो हाई वेल्यूबल होते हैं उनमें करते होंगे नहीं तो नहीं कुछ कंपनीज करती हैं तो नाउ दे आयर स्टार्टेड क्योंकि पायरेसी इतनी रैमपेंट हो गई है अभी अफ्रीका साइड में बढ़ गई है तो शुरू किया है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नहीं सी में ये जो अपने यहाँ से हम लोग स्विस कैनाल की तरफ जो जाता है रास्ता वंस यू फ्राम फ्राम अरेबियन सी टू यू नो वेस्टवर्ड्स वे यूरोप एंड मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका यू आर गोइंग उस रूट पे बहुत सारे वहां पे प्रॉब्लम बनी प्रावल्म रहती है, है, है अभी है और पहले जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ गई अभी थोड़ी बढ़ गई है बुलाया कब जाता है, कब जाता है? जब जंग छिड़ी ना हो और आपको लग रहा है कि जंग छिड़ने वाली है कभी भी छिड़ सकती है जैसे एस्केलेशन होता है टेंशन अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है जैसे उरी का टाइम जैसे हुआ था या चाइना और इंडिया के बीच में कुछ चल रहा है या कोई और कंट्री के साथ चल रहा है तो आप अपने मार्कोस को मार्कोस बड़ी टीम्स में ऑपरेट नहीं करते हैं बड़ी छोटी टीम्स में ऑपरेट करते हैं तो जैसे कि शिप है शिप भी दिख जाएगा आपको आप फ्लाइट्स करें फाइटर पायलट्स करें तो मालूम है कि भाई एनिमी को पता है ठीक है आप बॉर्डर पर अप करें एनिमी को पता है बट मार्कोस का रोल एक तो फोर डायमेंशनल रोल होता है फोर डायमेंशनल बाई वन इन एयर पैराट्रूप एंड स्काई डाइविंग क्वालिफाइड होते हैं वन ऑन लैंड जंगल वॉरफेयर नैविगेशन एवरी थिंग देन ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो अंडर वाटर फोर्स है जो चार डायमेंशनल रहती है तो जब एस्कुलेट फॉर आय टेंशन तो यू आर रेडी टू बी ड्रॉप्ड बिहाइंड एनिमी लाइन्स आपकी लड़ाई तो आगे से होगी बट इफ़ यू ड्रॉप योर पीपल बिहाइंड एनिमी लाइन्स आप उनके वाइटल इंस्टोलेशन्स प्लस उनकी फौज को भी सरप्राइज दे के पीछे से आप अटैक कर सकते हैं तो कई बार होता है कि ड्रॉप कर दिए जाते हैं फिर देन यू आर लाइक इन स्लीपर सेल चुपचाप समटाइम्स इट्स एट द टाइम ऑफ दैट तो ट्रेनिंग इसीलिए इतनी टफ होती है जैसे हम पैराज्स करते हैं तो पैराजम्प्स हमारे होते हैं क्या कहते हैं रात में मतलब जो एक्चुअल कॉम्बैट जम्स टाइप करते हैं मतलब रात होनी चाहिए और उस दिन चांद भी नहीं होने अमावस्या की रात एंड वेरी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड हाँ। इन टू द सी तो एनिमी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा एंड यू लैंड विद अ जेमिनी विद एक्सप्लोसिव एन एवरी क्या होता है जेमिनी रबराइज बोट होता है एक रबराइज बोट तो जैसे एयरक्राफ्ट जैसे हरकुलिस एरो है तो उसमें वो जाएगा सपोज इसे एनिमी कोस्ट की तरफ फ्रॉम देयर फर्स्ट वेरी लो फ्लाइंग पहले आपकी जमनी वो रबर बोट ड्रॉप कर देगा पैराशूट से और बंदे भी ड्रॉप कर देगा तो जमनी कहीं लैंड करेगी आप कहीं लैंड करोगे देन आपको स्विम करना है उस तक बोट तक हाँ तो जब आप पैराशूट जब करते हैं आपने देखा होगा पैराशूट में इतने सारे हाँ. लाइंस होते हैं हुँ. अब आप इमेजिन करिए आप पानी में गिरे विद द पैराशूट तो पैर क्या होगा वो लाइन्स में ही आप अटक जाएंगे एग्जैक्टली बहुत सारे आपके जो हाँ एंड पैराशूट इज डिजाइन टू सिंक क्योंकि ऊपर रह गया तो एनिमी को मालूम पड़ जाएगा तो अगर आप उसमें फंस गए तो आप उसके साथ ही नीचे चले जाओगे तो ये आप रात में कर रहे हैं तो इसकी ट्रेनिंग होती है आपका हार्डली 45 फाइव सेकेंड्स होता है जिसमें आपको अपना पूरा गेयर जैसे जंप किया आपने फटाफट अपना फिन्स लगाए फिंस लगाए, फिंस लगाए वो अपना पैराशूट का सब कुछ खोल दिया एक छोड़ के एंड थ्री फॉर मोर थिंग्स लाइट एंड अदर थिंग्स इन फोर्टी फाइव में एंड आपको जज करना है रात में कि आप 10 मीटर करीब 10 मीटर पानी के समुंदर के लेवल उसमें समुंदर में आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने हाइट हो तो दस मीटर पहले आपको रिलीज़ कर देना है पैराशूट जिससे कि पैराशूट अलग जाए और आप फ्री फॉल जाके पानी में, में गिरें गिरे। तो अंधेरे में आपको वो भी कैलकुलेट करना है भैया दस का अगर तीस हो गया तो आप विद दैट वेलोसिटी यू कैन डैमेज योर सेल्फ हाँ, बहुत जोर से ज़ोर से गिरोगे हाँ तो वो जज करके और अगर आपने नहीं किया तो आप इंटेंगल हो जाओगे तो उसके लिए हम काउंटर मेजर लेते हैं नाइफ रखते हैं अपने पास सब कुछ फिर आपको स्विम करना है समुद्र में टू दूर बोट और वेव स्वेल्स रहती हैं आपको कभी बोट दिख रही है नहीं दिख रही है एक केमिकल लाइट्स हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं उस पर जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया रहे किधर है वो बोट तो वो करके फिर देन वी गो फॉर ऑपरेशन सो मार्कोस आर यूज्ड मतलब लड़ाई छिड़ने से पहले या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एक चीज़ थी मार्कोस को बराक ओबामा जब इंडिया आए थे तब स्पेसिफ़िकली मार्कोस की उन्होंने डिमांड करी थी और उन्हीं को बुलाया था क्यों ऐसा इतनी सारी आर्म फोर्सेज हैं इतनी सारी स्पेशल फोर्सेज हैं ब्लैक कैट कमांडोज़ हैं बहुत सारे है राइट जो तो यूजली हमारे यहाँ वी आई मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं hmm. बट उनकी डिमांड मार्कोस की ही क्यों थी प्रॉब्लली हिज इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बोला होगा कि भाई मार्कोस आर द बेस्ट एंड यू डिजर्व द बेस्ट नॉट बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि सारे स्पेशल फोर्सेज अपने uh, फील्ड में uh, बहुत ही शातिर हमारे uh, हमारे आर्म फोर्सेस मोस्ट डिसप्लेंड एंड क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा uh, क्या कि रेजिलियंस है हमारे आर्म फोर्सेस में कि सब कठिनाई में करते हैं स्पेशल फोर्सेस uh, आर्मी में भी हैं पैरास एफ uh, मार्कोस का मैंने एक एडेड एडवांटेज आपको बताया कि फोर्थ फोर डायमेंशनल फोर्स है कैन ऑपरेट इन वाटर अंडर वाटर तो जो कि एक स्पेशल चीज़ है और मार्कोस की ट्रेनिंग हम लोगों ने यूएस नेवी सील्स पे ही बेस्ड करके शुरू करी मीनिंग मतलब यूएस नेवी सील्स जो होते हैं आप तो उनको जानते होंगे तो पहले हम लोग कुछ ऑफिसर्स को उधर भेजते थे ट्रेनिंग के लिए तो वो वहाँ से सीख के आते थे तो हम लोगों ने क्या किया धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं जो ट्रेनिंग मीन्स वो यूज़ करते हैं बिकॉज एट वन टाइम सील्स फॉर द बेस्ट तो उनसे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ले लेके हमने अपना सेटअप बनाया और उनसे अच्छा सेटअप बनाया एंड देन ट्रेनिंग एक हमें एक आइडिया लग गया कि ट्रेनिंग कैसे चाहिए तो उस तरीके से मार्कोस आर डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एंड मोस्ट फियर्ड फोर्स इन वर्ल्ड सो आप बोल रहे हो कि दे वर वन ऑफ द बेस्ट एट वन पॉइंट आर दे नॉट नाउ हमारे मार्कोस भी कोई कम नहीं है आज की तारीख़ में और मैं आपको बता दूँ कि आ, मैंने सील्स के साथ ऑपरेट किया हुआ है ठीक hmm. है इनफैक्ट सील्स के साथ ही हमने पहली बार वाटर पैरा पैराजम्प्स किया था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन हाँ। किया वो वाटर पैरा पैराजम्प्स होता है वो यूएस नेवी सील के साथ किया साथ ही उनके साथ हम लोगों ने इन अ वे हमने उन्हीं से सीखा था ओके okay, ठीक नाइस nice. हाँ क्रॉस ट्रेनिंग थी तो हमने उनको कुछ सिखाया उन्होंने हमको कुछ सिखाया तो आ, उनके साथ इंटरेक्ट किया उनकी मैंटालिटी बढ़ी तो यू नेवी सील्स बहुत ही मेटिकुलस हैं जो आपकी किताब में लिखा है सीरियल वन बाएं देखो सीरियल टू दाएं देखो फिर झुक के जाओ फिर ये करो उनके हर चीज डिटेल्ड बोलते हैं हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो पूरा वैसे ही फॉलो करते हैं और अच्छी तरह निभाते हैं तो उससे उनका डिसिप्लिन और सब कुछ इन टर्म्स ऑफ वर्क उनका वैसे डिसिप्लिन इज वेरी कैजुअल जैसे <laughs> ऑफिसर्स और मैन में इट इज थोड़ा इतना सिस्टम उनका नहीं है okay. दूसरी तरफ हमारे लोग जो हम लोग थे हमारे में हर के सिस्टम बस काफ़ी स्ट्रांग है कि भाई जो ऑफिसर है बिकॉज ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है सबकी ज़िंदगी के लिए ओ आई सी या डिप्टी ओ आई सी तो उसको रिस्पेक्ट उसकी बात माननी है हमारी भी एस ओ पीज होते हैं बट हमारे लोग सिचुएशन आने पर एस ओ पी ब्रेक भी करते हैं ऑन द सिचुएशन तो कई बार क्या होता है वो फायदे का रहता है कई बार नुकसान का रहता है तो दिस इज अ डिफरेंस और ये डिफरेंस कैसे आता है एक और चीज मैं बताऊं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जो आई क्यू लेवल था इंटेलिजेंस लेवल ऑफ आ यूएस नेवी सील्स एंड आई क्यू लेवल ऑफ क्योंकि हमारे क्लासेस भी होते ज्वाइंट क्लासेस मार्ग डिफरेंस मतलब मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा कि ये लोग इतने डम कैसे हैं सीरियसली उनको सिंपल थिंग जैसे है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है उनको नहीं समझा सो डि so, फिर वो समझाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये एक्चुअल हुआ है हमारे साथ तो हमारे लोग बहुत और एक और चीज़ थी उन्हें किसी ऑपरेशन के लिए जाना है तो उनको बिस्लेर की बॉटल चाहिए बॉटल वाटर चाहिए ही चाहिए हमें चलना है जंगल में जा रहे हैं स्ट्रीम अच्छा स्ट्रीम आएगा वहीं से हम पानी ले लेंगे अपनी बोतल भर लेंगे वरना प्यासे भी चलेंगे काफ़ी देर तक तो हमारे अंदर आ, जो सहन शक्ति है जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा और इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है सबसे डिफ़िकल्ट क्या होता है फॉर सी वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए क्योंकि जैसे अपनी आर्म फोर्सेस होती है एयर फोर्सेस होती है लैंड फोर्सेस होती है एयर फोर्सेस होती है वाटर फोर्सेस होती हैं राइट एंड बहुत लोग बोलते हैं कि वाटर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट आउट ऑफ ऑल थ्री तो क्यों ऐसा बोलते हैं तो पानी रूथलेस होता है समुन्दर उससे बड़ा रूथलेस होता है अब आप सोचिए हम इस कमरे में बैठे हैं ठीक है आराम से बैठे हैं सडनली ये पूरा कमरा पच्चीस डिग्री इधर जाए फिर पच्चीस डिग्री उधर जाए हाँ ठीक है झूला है चलो कोई बात नहीं फिर भी ठीक है फिर उसके साथ आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे ये वाला मूवमेंट भी हो रहा है पंद्रह डिग्री तो मतलब आप एक वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे हैं और उस वॉशिंग मशीन के अंदर आप एक इंजन रूम में बैठे हैं जहाँ पे टम्परेचर चालीस डिग्री है इनक्लोज स्पेस है ठीक है और वहाँ पे आवाज है आपके डीजल की या गैस टर्बाइन की या स्टीम बॉयलर की एंड आपको वॉच करना है आप ऊपर हैं आप लुकआउट पर हैं तो कहते हैं ना जमीन के पैरों तले ज़मीन निकल जाना तो वो नॉर्मल होता है समुंदर में तो जब ये सब होता है तो अपना बॉडी तो यूज टू है नहीं हाँ। हम तो समुद्री जानवर तो है नहीं अब जैसे ही ये होता है तो आपका बॉडी रिएक्ट करने लगता है यू फील प्यूकिश और आप उल्टी करते भी हैं इस चर्निंग में आप जैसा शिप जा रहा है तो सी रफ हुआ बारिशों में और होता है वरना हमेशा ही आप समुद्र के साइड हाँ। में आप जाएंगे वेव्स तो हमेशा ही रहते हैं तो ये शिप तो भले ही इतने बड़े वॉरशिप होते हैं बट हाँ। वो तो आप उल्टी आएगी आप जाके उल्टी करोगे अब आप एक रूम में बैठे हो अगर मैं उल्टी करूं अब उसकी स्मेल आप समझ लीजिए <laughs> स्मेल ही आपको उल्टी आ जाएगी तो आप क्लोज इन्वायरमेंट में है ठीक है उसके बाद उल्टी करके आपको वापस आना है ऐसा नहीं कि भाई आपने नुला रहे आप जाओ क्योंकि लिमिटेड मैन पावर रहती है एंड uh, क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी आपका रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होने होते हैं जैसे कि ये रूम है आग लग गई आप क्या करेंगे बताइए भागूंगा मैं तो भाग बाहर चले जाएंगे वहां कैसे भागोगे वहाँ आप कहाँ भागेंगे समुन्दर है जी हाँ। तो आपको उसे फाइट करना है वो भी आपको फाइट करना है बिफोर इट बिकम्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम फिर स्मोक भर जाएगा फिर आपको मास्क पहनना है स्मोक करके करना है आपको आइसोलेट करना है बाकी कंपार्टमेंट्स कि वो स्मोक कहीं और ना जाए आपको अलर्ट करना है कंट्रोल रूम को फायर फायर फ़ायर इन इंजन रूम या फ्लडिंग 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 इन इंजन रूम या और कंट्रोल रूम और कहीं भी तो ये सब चीज़ें रात के दो बजे भी आपको स्मेल आई कि कहीं आग है तो आपको उठ के करना है क्योंकि सबकी लाइफ आपके हाथ में है एक गया तो इस पूरे ही सभी डूबेंगे सो so, इसलिए सम, समुंदर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है ओवरऑल एज़ फार एज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ कंसर्न यस आर्मी भी सम, रहते हैं बॉर्डर पे वहाँ भी एक्सट्रीम विंटर एक्सट्रीम समर डेजर्ट्स वगैरह रहता है एंड यू हैव एनिमी लाइफ एनिमी इन फ्रंट ऑफ यू एयरफोर्स में भी आपके यू you नो know, क्या कहते हैं स्प्लिट सेकेंड डिसीजनज एंड हाई थिंक तो नेवी में इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समुंदर ही है Hmm. और हम उससे हमेशा ही लड़ाई कर रहे हैं <laughs> hmm, और नेचर इज सुप्रीम तो आपको उसको शानो वरुण हम बोलते हैं कि हमारे समुद्र देवता की जय हो और हमें दैट इज़ दैट इज सो ट्रू क्योंकि फुल hmm, टाइम मतलब आपके लिए ज़्यादा बड़ा एनिमी तो समुद्र ही है कितने सारी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस आ सकती हैं आपको पता भी नहीं है राइट और मतलब आप एनिमी तक तो बाद में पहुंचोगे पहले आपको यहीं पे, पे यहीं पे लड़ाई करनी है यहीं पे सारी चीजें करनी है आपको एंड आपने जैसे बताया कि आप लोग ना समुद्र में उतरते भी हो पैराशूट से उतरते हो आपको एग्जैक्ट वहां जाना होता है और सी पे होते हो कहीं पे भी चालीस किलोमीटर पचास किलोमीटर जा रहे हो रहे तो बहुत सारे समुद्री जानवर होते होंगे राइट कभी आपको शार्क्स या वेल्स इन सब से सामना करना पड़ता हो कभी हुआ ऐसा है शाख्स हम सिचुएशन में क्या करते हो हम लोग एक केमिकल लेके चलते हैं जो कि शार्क रेपलेंट होता है वो हमारे पास रहता है और अगर हमें लगता है कि शार्क है तो हम वो रिलीज़ करते हैं तो उससे वो एक क्लाउड बना लेता है हमारे चारों तरफ और वी आर ट्रेंड कि भाई फटाफट ऊपर आ जाओ और मतलब पीस टाइम में ठीक है तो वो है जैसे मेरा आ, अभी तो इतना मार्क नहीं रहा जब मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था तो हमारी कोचिन में ट्रेनिंग होती है तो ऐसे करके मेरा कुछ लगा मुझे मालूम नहीं पड़ा फिर ऊपर आया तो बहुत जलन मच रही थी अंदर ही शायद जलन मचने लगी बा कुछ बट फिर भी मैंने करके ऊपर आया तो जेली फिश ब्रश करके चली गई लकीली हाथ पे ही एंड hmm. सम yeah. हाँ तो पूरा बॉयल हो गया था यहाँ पे बट लकीली इट वॉज नॉट फेटल और समथिंग तो वो चांसेस रहते हैं कई बार आपको कट्स लग जाते हैं कई कट्स जैसे आप आप, आप आ, सी में जब हम Hmm. शिप का हल चेक करते हैं तो उसमें बार्निकल्स रहते हैं छोटे छोटे तो आपको प्रिकॉशंस लेते हैं पहन के जाते हैं ग्लव्स भी पहनते हैं बट कई बार छिल जाता अच्छा है।, है।, है कर जाता है तो वो सब रिस्क रहता है बट समुंदर का पानी नमकीन होता है और वो बड़ी जल्दी हील करता है आपको चोट लगी हो ना उसको गर समुंदर के पानी में एक दो बार स्विमिंग कर लो जल्दी ठीक हो जाएगी really? जलेगा मगर जल्दी ठीक है बहुत ज़ोर से जलता भी है ठीक है मुझे बताओ सी में बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होती है सी में कैसे डिसाइड करती हूँ कि यहाँ तक मेरा इलाका है इसके बाद नहीं क्योंकि बाहर तो क्लियर डिस्टिंगशन होता है ये बॉर्डर है इस बॉर्डर के बाहर वो आपका देश या हमारा देश नहीं सी तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ है इस पर okay. मैंने सब पढ़ा था अभी काफी टाइम <laughs> हो गया इट इज लाइक इंटरनेशनल लॉज ऑफ द दी सो उसमें क्या रहता है आपके सी बॉर्डर्स अलग अलग डिमार्केटेड रहते हैं जैसे कि आई नॉट यू द एग्जैक्ट दिस थिंग बट लाइक टू हंड्रेड लाइक योर योर एट किलोमीटर्स इज़ योर ओन टेरिटरी मतलब आठ किलोमीटर तक इज लाइक योर बॉर्डर ठीक है उसके बाद अगला होता है टू हंड्रेड किलोमीटर्स डेट इज़ योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ठीक है मतलब इसमें इकोनॉमी वाइज ये आपका इलाका है यहाँ पे फिशिंग कुछ गैस ये सब आपका है Hmm. उसके बाद एक और एरिया होता है उसके बाद इट इज नो मैं लैंड और नो मैं सी एनी वन केन डू एनी थिंग अच्छा हाँ सो आई एम नॉट अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट वैल्यूज बट एक इकोनॉमिक जोन होता है पहले आपका टेरिटोरियल एरिया होता है तो वहाँ पे कोई और शिप आके बिना आपके परमिशन के नहीं, नहीं आ सकता आ उसके बाद आठ किलोमीटर के बाद कोई भी आ सकता है बट आके आपके कुछ माइनिंग फिशिंग वो सब नहीं कर सकता है क्योंकि वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो घूम सकता है हाँ बस पर बार कुछ बार कर नहीं सकता। कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता उसके बियॉन्ड फिर वो फ्री एनी वन केन डू एनी थिंग सो इस तरीके से बॉर्डर्स होते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी होते हैं समुंदर में क्योंकि अगर बॉर्डर ऐसा है फिर अब मिडिल लाइन ये वो और एक आइलैंड आ गई तो आइलैंड आ गई तो उसका और घेर आपके में आ जाता हाँ। है तो बहुत सारे इंटरनेशनल फाइट्स चलते रहते हैं उसके सो so, जो आपने बोला 200 किलोमीटर के बाद जो इसमें जहाँ पे फ्री इकोनॉमिक जोन होता है उसके बाद जो होता है फ्री जोन नो मैंस लैंड इंटरनेशनल वाटर इंटरनेशनल वाटर वहां पे कोई भी कुछ भी कर सकता है वहाँ पर कोई लॉ नहीं होता किसी कंट्री का हाँ मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं वहां पे तो वहाँ पे कुछ भी लीगल करो लीगल करो कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है हाँ क्योंकि वहाँ से आप पोर्ट में घुसेंगे ऑफ कोर्स लाइक पायरेसी आप कर रहे हैं हाईजेक कर रहे हैं तो ऑफकोर्स द विल टेक एक्शन बट एज़ फार एज़ कंट्री का टेरिटोरियल राइट्स एंड ऑल वहाँ पे नहीं है हाँ जैसे अगर आप कॉन्ट्राबैंड ले जा रहे हैं तो एक कंट्री मतलब एक कंट्री की शिप जाके कर अप्रीहेंड कर लेगा और वो कर सकता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में वो इट विल बी शोन कि हाँ है बट टेरिटोरियल आप नहीं बोल सकते कि भाई आप वहाँ के हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो बट हाँ थोड़ा फ्लैक्सीबिलिटी हो जाती है वहाँ पे <laughs> ऐसे लोग मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि एक बार इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं फिर हमें कोई टच नहीं कर सकता ऐसा होता है तो कोई अगर मान लो कोई इधर इंडिया में क्राइम करा किसी ने और क्राइम करके वो भाग गया सी में और किसी तरह से वो उस नोमैन्स लैंड तक पहुंच गया तो फिर हम पकड़ नहीं सकते हमारा कोई राइट नहीं उस पर राइट नहीं है पर पकड़ सकते है। <laughs> 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 <कराया> हमने <से> <laughs> <laughs> हम बाद में लड़ते रहेंगे <laughs> हाँ वो होते हैं ऐसे इंसिडेंसेस एंड ऑफिशियली भी लिया जाता है अनऑफिशियली भी होता है होता है जब तो पूछ <laughs> लेते हमारी इच्छा होगी तो कर लिया हाँ अगर कोई गड़बड़ है सी आपको आपके दरवाजे तक डेंजर क्यों आए अगर आप उसको निपिनना बट कर दें तो क्यों नहीं हमारी सी बॉर्डर्स में ऐसा कौन सा एरिया है जो सबसे वालेबल है जहाँ से कोई भी आ सकता है या हमें एक थ्रेट है वहाँ से कि यार ये एरिया पर्टिकुलरली ज़्यादा सिक्योर नहीं है इसका कोई भी कंट्री फ़ायदा उठा सकती है ओके आ, देखा जाए तो See, हमारे पास बहुत ही वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है hmm. और आइलैंड्स भी हैं बहुत सारे तो थ्रेट वाइज देखा जाए तो अपना अंडमान निकोबार आइलैंड्स दैट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज़ इन वेरी बिकॉज एक तो हमसे बहुत दूर है प्लस hmm. वो साउथ चाइना से स्ट्रेट से यू नो वॉरशिप एवरीथिंग थिंग पासिस फ्राम प्लस एनिमी कंट्रीज कुछ आइलैंड्स हमारे में नहीं हैं तो वो किसी और वाले पास वाले कंट्री को बोल के कि भाई वो आइलैंड हमें दस साल पंद्रह साल के लिए दे दो या हमें एक बेस बनाने दो या मुझे एक कम्युनिकेशन टावर वो लगाने दो सो उस तरीके से अंडमान निकोबार आइलैंड्स थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा रिस्की है रिस्की है तो वहाँ से कोई भी अटैक कर सकता है हम पे? कोई भी नहीं हम हम नहीं कर सकते बट थ्रेट परसेप्शन वहाँ से ज़्यादा है चांसेस ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग कंट्री कौन है हमारे लिए सी के हिसाब से चाइना ही ओनली चाइना ही है सो so उनकी नेवल स्ट्रैटेजी क्या है नेवल स्ट्रैटेजी दे आर बिल्डिंग शिप्स समरीन्स टू टेक ऑन द वर्ल्ड बहुत यस डाउट yes? ही नहीं है डू यू थिंक चाइना ओवरऑल अमेरिका को बीट कर पाएगा वेरी टफ फाइट इट विल गिव अ वेरी टफ फाइट बोली या जो उनके जिस हिसाब से उनकी नेवी उनकी एयरफोर्स उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिकली है ऑलरेडी अब उन्होंने सी इंडिया में जैसे हमारा रूपी है इट्स अ फ्लेक्सीबल ओपन करेंसी यूआन है जैसे इट इज़ कंट्रोल्ड ऐसा कोई मार्केट रेट रहता है बट इज़ कंट्रोल जैसे कि हम जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तो हमने डॉलर दिए उन्होंने यूआन दिए ठीक है अब आप जब वापस आ रहे हैं तो आप क्या करोगे उनको युआन दोगे, दोगे और डॉलर दे दोगे बोलते रिवर्स नहीं होता यहाँ चाइना के युआन ले लिए तो रिवर्स क्यों नहीं होगे? नहीं होगा? देंगे वो आप जाओ बैंक नहीं देंगे <laughs> तो उनके मतलब इट इज इट करेंसी भी फैलाओ हाँ नहीं उन्होंने डॉलर कमा लिया ना ओके आई चाय, थिंक सामान में नो बेटर मगर चाइना के पास डॉलर करेंसी इज वन ऑफ द हाइएस्ट इंटरेस्टिंग आपने कश्मीर में ऑपरेशन किया है मार्कोस के जब आप मार्कोस थे तब आपने कश्मीर में ऑपरेशन किया कश्मीर में मार्कोस को दाढ़ी वाली फौज क्यों बोलते हैं <laughs> तो uh, एक तो आर्मी में आपको बी रखना अलाउड नहीं है एंड आप सिख हैं ठीक है तो आप तरबन पहनते हैं तो आप, आपको तो अलग आगे आगे नहीं, नहीं। हाँ। था बट नेवी के रूल्स अलग हैं क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया समरीन में तो शेविंग अलाउड ही नहीं है और शिप्स में भी कंडीशन हमारे बहुत टफ होते हैं तो नेवी में आपको अलाउड है बियर्ड रखना ठीक है दैट इज़ वन बेसिक डिफरेंस तो जो स्पेशल फोर्सेस आर्मी के आते हैं या एयरफोर्स के आते हैं तो देर ऑल क्लीन शेविंग तो हमारे जो मार्कोस होते हैं तो कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं बट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वैली में हम रखेंगे और हम काफ़ी डिसेप्टिव ऑपरेशन करते थे आई होप मैं ज़्यादा सीक्रेट आउट नहीं कर रहा हूँ मगर हम बीच बीच में टेरिस की तरह भी ऑपरेट करते थे जिससे कि इंटेलिजेंस मिले घुस जाते थे। हाँ जी तो फिर उन्हें धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ये ये दाढ़ी वाले जो हैं वो नेवी वाले ये ज़्यादा डेंजरस है जो अंदर घुस के <laughs> <laughs> आपने क्या ऑपरेशन किया वहाँ पे? हमने कई सारे ऑपरेशन किए थे वहाँ पे बट एक मेजर ऑपरेशन किया था जिसमें हमने ना, क्या कहते हैं हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर कंगन एरिया का एरिया कमांडर को एलिमिनेट किया था कैसे एलिमिनेट किया उस लीडर को हाँ तो हमें पहले इंटेलिजेंस आई आर्मी से कि बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है और वो लोग वायरलेस पे रिपोर्ट देते हैं रोज़ कि भाई हमने ये हलाक किए पांच फ़ौजी हलाक किए तो सिविलर हलाक किया ये किया वो किया उनकी रिपोर्ट बनती है तो क्रिप्टिक होती है बट हमारे सेंसर्स पकड़ लेते हैं तो एक था गंधर्वल एरिया तो वहां पे काफी डीएफ डीएफ बोलते डायरेक्शन फाइंडर उससे आ रहा था कि बहुत सारे टेररिस्ट हैं और उस एरिया में काफी टाइम से कोई भी किलिंग नहीं हुई थी नहीं। मतलब कोई पकड़ा ही नहीं गया था और वहां पे रक एरिया है रक एरिया इज मतलब लाइक पानी का एरिया दलदल टाइप तो बहुत मुश्किल है ट्रूप्स को अंदर जाना तो उन्होंने कहा कि मार्कोस को बुलाते हैं यहाँ पे तो हम लोग फिर अपना सुपुर से हम लोग अपना सामान वामान लेके कॉर्वाई में आ गए इधर हमें इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हुई बताया गया कितने लोग थे आप हम लोग थे करीब बारह लोग ओके okay. ट्वेल्व तो आठ लोग इसमें ऑपरेट करते हो ना आप तो हाँ आठ का जनरली प्रहार कैन वेरी तो हम लोग करीब बारह प्लस टू और चौदह okay. लोग थे so, तो मेरे साथ थे उस समय लेफ्टिनेंट कमांडर तिलक राज ठाकुर वो ओ थे और मैं डिप्टी ओ था और फिर हमारे साथ सेलर्स थे बाकी तो हम आए उधर तो मालूम पड़ा तो वेट किया कि डी आएगा फिर हमने ए, एरिया भी थोड़ा इन मतलब कैसा एरिया है क्या है तो फिर हम लोग ने बोला हम हमारे साथ एक आर्मी की यूनिट थी तो हम लोग ने बोला कि हम लोग आ, भी रात को सी रात को क्या है कश्मीर में दो ही प्रकार के लोग घूमते हैं रात को या तो फ़ौज या टेररिस्ट सिविलियंस नहीं घूम इट्स लाइक आ कर्फ्यू नॉन कर्फ्यू इन द नाइट तो हमने बोला ये नया हमारे लिए एरिया है तो हम आप लोग के ट्रूप्स के साथ हम भी थोड़ा रेकी करना चाहेंगे तो हम लोग गए पहले दिन उनके साथ निकले तो क्या कहते हैं हमारे लिए भी नया एरिया था और रात को ही निकले थे दिन में हमने देखा नहीं था तो हम लोग के उन लोग के साथ दो ग्रुप्स में थे एक मेरे साथ ग्रुप था एक तिलक ठाकुर साहब के साथ था तो हम निकलते निकलते स्लोली फिर एक गांव का रास्ता कच्चा जा रहा था और एक साइड में प्लांटेशन की तरफ एक रास्ता जा रहा था तो ठाकुर साहब का उन्होंने हमने डिसाइड किया हम स्प्लिट करते हैं यहाँ से इंट थी उनके पास कि यहाँ से मूवमेंट होता है तो सपोज़ ये गांव है उसके बाद ये सड़क है और यहाँ पे फील्ड्स हैं और यहाँ पे प्लांटेशन है एंड जनरल रूट फ्रॉम पाकिस्तान दिस इज गोइंग दिन श्रीनगर श्रीनगर के लिए तो ठाकुर साहब उधर गए तो उन्होंने सोचा कि एक ले या एम्बुश आप एम्बुश जानते हैं एम्बुश में क्या होता है कि आप सेटअप एक जगह हो गए और आप वेट करेगा फिर आप नहीं कोई मूवमेंट दिखेगा तो हाँ वहाँ अटैक करेंगे कि कोई क्रॉस करे आप एकदम से दर्द हो गए हाँ तो वहाँ पे एक एक घर था एक टूटा टाटा एक कश्मीरी पंडित का कि उनको तो निकाल दिया वहाँ से तो उन्होंने कहा ये जगह अच्छी है यहाँ पे हम एम्बुश सेट करते हैं तो मैं दूसरी जगह था तो मैं मैं भी धीरे धीरे अपना घर था फिर मैंने प्लांटेशन देखी तो रोड हाई था तो मेरे साथ एक जे सी साहब भी थे तो हम लोग ट्रूप्स धीरे धीरे तो मैंने बोला हम भी यहाँ पर लगा लेते हैं एम्बुश रोड के साइड में तो जैसे ये सब चल रहा था तो मेरे साथ एक बंदा था नाइट विजन गॉगल्स में नाइट विजन लेके चलते हैं तो बोलते है, सर कुछ लोग दिख रहे हैं फील्ड में तो विलेज ये है हम लोग ऐसे आए हैं यहाँ फील्ड है और ये रोड है हम इधर हैं प्लांटेशन पीछे और उधर भी प्लांटेशन तो मैंने बोला किधर कहते सर रोड के लेफ्ट साइड में तभी एक बंदूक कोरक होने की आवाज आई बिकॉज़ वंस कॉर्क का गन यू नो आई जस्ट तो और आई टोल्ड ऑल माय पीपल्स टेक पोजीशन तो हम लोगों ने फटाफट पोजीशन ले लिया एंड देन देयर वाज अ डाउट इन दैट एरिया कि कहीं पुलिस वाले भी तो नहीं है कुछ अब पांच लोग पे मैं फायर खोलूं और वो पुलिस वाले निकल गए तो दैट्स द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ मैं गरीश्योर कहता है हाँ से कई बार रहते हैं ऐसे ठीक है सब पोजिशन ले लिया सबने फायरिंग पोजिशन तो मैंने एक बंदे को बोला पूछा कौन है बोलो कौन है कोई जवाब नहीं आया उसके बाद फिर टू बी श्योर क्योंकि अब वो नाइट विजन से वो बंदे भी दिख नहीं रहे थे हाँ तो सबको पोजन करके फिर मैंने एक बंदे को बोला हमारे पास बहुत बढ़िया सर्च टोटल थी जो कि किलोमीटर इट कैन गिव अ बीम तो मैंने कहा कि एक काम करो सेफ पोजीशन में रख के एक स्वीप करो स्वीप क्या होता है मतलब स्वीप करो लाइट का कि जहां भी आपको दिखा विल बिकॉज वी डोंट नो वेयर दे आर इट्स लंबी लाइट लाइट बीम हाँ लाइट बीम स्कैन करो ऑल राउंड बिकॉज इट्स एन ओपन एरिया यू कैन की फायरिंग आपको कहीं से है तो इस बंदे ने ऐसे स्वीप किया और उसके हाथ से वो लाइट गिर गई एंड इट वॉज डैंगलिंग देयर आई इमीडिएटली केम आउट फ्रॉम आयोर पोजिशन टुक दैट लाइट स्विचड इट ऑफ एंड आई टोल्ड दिस पीपल फायर बिकॉज नाउ आर पोजिशन वॉज नोन सो आई टोल्ड हेम टू ओपन फायर सो दैट इवन अगर उन्होंने देखा है तो बिकॉज ऑफ फायरिंग सो वी ओपन फायर

एंड बायर आ टाइम क्योंकि पूरा अंधेरा ही है तो आपको आवाज़ ऐसी बायर टाइम ये लोग ने वो, वो वाले घर से देखा तो वो निकल गए बंदे कच्चे रस्ते से वो प्लांटेशन में निकल गए सो तो ही वज की या मेरे बंदे मतलब सेकेंड्स में अगर अगर उधर से आते हुए दिख जाते तो मैं उनको ख़त्म कर देता तो ये तो जाते हुए और कुछ कर नहीं पाए तो वो तो फायर भी नहीं कर पाए वो जो बंदे निकले वो पहुंचे मेरे पास hmm. ये हम नेक्स्ट डे रात को आफ्टर द ऑपरेशन रिक्रिएट कर रहे हैं कि आपके आगे से निकले फिर वो इधर आए एंड सडनली उन्होंने देखा कि फौज है यहाँ पे वो hmm. रुके उन्होंने देखा कि लगता है हम नोटिस हो गए हैं कॉक द वेपन रेडी फॉर फायरिंग एंड देन बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे रैन ऑफ हमने कहा यार आई मीन यू कैन फील कि मतलब हम आए थे इस मिशन के लिए और ये हम दो तीन महीने से कोशिश कर रहे हैं सामने था और ये देश के गद्दार हैं और हमने मिस कर दिया तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे फिर से करेंगे ठीक है अगले दिन अगले दिन और इस बार हम टीम बहुत ही कम ले जाएंगे और हम लोग अगले दिन निकले पूरे जोश के साथ कि हमने कैसे हमारे नाक के नीचे से निकल गए ये? निकले क्या वो वापस भाग गए मिस हो गए बस इन लोगों ने जाया गए यहाँ पे ये सेट कर रहे थे मैं भी जाके अपना सेट कर रहा था और ऐसा जो लक होना था जैसे ही इन्होंने बिल्कुल पोजीशन ले रहे थे लुकआउट ने बोला सर दो लोग आ रहे हैं इन लोगों ने फटाफट किया उन पर फायरिंग अंधेरा ही था बट यू कुड मेक आउट फटाफट इन्होंने फायर ओपन किया मैं यहाँ पर हूं मुझे मालूम पड़ा कि ठीक है इस पर कम्युनिकेशन भी हमने ठीक रखा था इन्होंने फायरिंग की अब अंधेरे में आप एक घर में हो बाहर से बंदे जा रहे हैं आपने फायरिंग करी और पहले फायरिंग आई फिर शांति दूसरी तरफ से पता नहीं क्या हुआ डेड बॉडी भी नहीं दिख रही अब उसको आपकी पोजिशन पता है क्योंकि आप घर के अंदर हो उसने एक भी ग्रेनेड भी लॉब कर दिया तो आप सब गए इनको भी नहीं मिल रहा बंदा तो फिर चिलक राज साहब ने बोला कि वही अपनी लाइट वाली ठीक है स्वीप करो स्वीप करो उन तो लोगों ने ऐसे ही स्वीप किया तो देखा एक बंदा ढेर हुआ हुआ है सामने ऐसे पड़ा हुआ है वाह जैसे ऐसे करके थोड़ी और लाइट बढ़ाई ये बंदा घूमा और ऐसे करके फायरिंग शुरू करी और एक बंदा जो हमारा था जिस ए के फोर्टी सेवन थी उसके नोज़ यहाँ पे आके बुलेट लगी और उसको नहीं लगी एंड ये करते हुए ये बंदा बिल्डिंग की नीचे के नीचे की तरफ आ गया अब आप ऐसे तो फायर नहीं कर सकते तो हमारा एक जवान थे सीनियर सेलर उन्होंने फटाफट ग्रेनेड निकाल के लॉब किया और इमीडिएटली मुझे तिल साहब ने कम्युनिकेट किया कि हेड टुवर्ड्स मी फॉर सपोर्ट तो मैं अपनी पूरी टीम लेके आई न्यू डी फ्रॉक करते करते क्योंकि अब वो नहीं। पता नहीं बंदा कहाँ गया और दो तो थे ही और एक दिखा बट वो भी गायब तो फटाफट फड़ मैं इनके पास पहुँचा ठीक है और फिर मैंने इनको इवैक्यूएट किया बाहर निकाला फिर हमने ट्रेल धीरे धीरे ट्रेल करना शुरू किया तो हमें कहीं बुलेट्स मिले कहीं हमें ब्लड मार्क्स मिले तो ये गांव की तरफ जा रहा था तो रात में फिर हम लोगों ने लीफ फ्रॉक करते हुए करते हुए करते हुए देखा एक घर तक पहुँचे इसके तो उसके बाद कोई मार्क्स नहीं घर के अंदर भी वो बंदा नहीं उसके साइड में एक नाला था उसके साइड में एक प्लांटेशन थी तो हमने फिर लोकल्स को भी उठा लिया कुछ को ठीक है तो नहीं मिला कुछ भी ट्रेस फिर हमने रात को ही पूरा एरिया को कॉर्डन कर दिया कि निकले ना कि कहीं से भी निकलेगा तो हमें हाँ होपफुली होपफुली जस्ट होपिंग लाइक हेल और रात भर हम लोग करते रहे साढ़े चार बजे हमी सेंट आ, आ स्निफर डॉग विद अ डॉग ट्रेनर एंड सम री एन्फोर्समेंट वह आज पाँच बजे तक हमें पहुँचे तो हमने उनको दिखाया तो वो डॉग जहाँ से ट्रेल था ब्लड का तो वो डॉग सूंघ के आगे जाए फिर एक एट का सर्किल इधर बनाए फिर एट का सर्किल इधर बनाए फिर थोड़ा सा आगे जाए बिकॉट इज इज ट्रेन फॉर डिसेप्शन ऑल्सो कि आपने uh, क्या कहते हैं ब्लड ट्रेल इधर दे दी और आप इधर से निकल के तो वी आर ऑल मिस्ट्रिक अर्ली अर्ली मॉर्निंग तो करते करते वो दरवाजे तक पहुंचा, फिर वहां से हमें तो मिला नहीं था कुछ बट ये डॉग सूंघते सुखते थोड़ा सा नाला टाइप था वहां तक पहुंचा तो देन दिस डॉग जम्प्ड द नाला okay. मतलब वो बंदा बंदाइटेशन में गया है ओके okay. तो इसका ट्रेनर भी hmm. जंप किया उसके साथ नाले से बाहर हो गया हाँ, हाँ वो मतलब यू कुड जंप एंड क्रॉस इट तो एंड वी आर ऑल रेडी उसके करीब वो अंदर गया विद टू पीपल उसके जस्ट ट्वेंटी थर्टी सेकेंड्स के बाद ही वी सॉ द डॉग

उसको गोलियां लगी थी, on थी, थी कुछ भी की नहीं। बट तो वो था हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर कंगन एरिया का सो फिर अब मिस्ट्री अनफोल्ड क्या हुआ तो क्या हुआ था कि उसको गोलियां लगी थी। लगी थी ओके okay. तो मिल गया बट अब क्या हुआ था तो जब ठाकुर साहब ने अपना वो किया दो बंदे आ रहे थे एक ये था हिजबुल का और एक पाकिस्तानी था उसके साथ तो जब फायरिंग हुई तो इस बंदे की नी में और पैर में गोली लग गोली लगी ठीक है बट दूसरे बंदे को लगी कि नहीं लगी पता नहीं मगर वो भाग गया पाकिस्तानी ओके बट ये अटक गया अटक गया और गिर गया वहाँ पे, बिकॉज ऑफ शॉक ऑफ द बुलेट्स ठीक है तो वो शॉक में और वो बुलेट में वो, वो लग गया वो दूसरा बंदा भाग गया फिर क्या हुआ है? जब लाइट आई इसने फायरिंग करी तो हमारे बंदों ने उस पर फायरिंग करी फिर वो इधर आ गया तो ग्रेनेड फेंकी जो ग्रेनेड फेंकी वो उसके नी में के ऊपर ब्लास्ट करी तो हिज़ वन नी वॉज ब्लोन अप बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही क्रॉल्ड एंड ही वेंट इन टू द प्लांटेशन और वहाँ पर उसने अपना रुमाल लगा लिया एंड ही थाट कि बच गया बच गया गांव वाले तो बचा ही लेंगे रात भर बस मुझे काटनी है निकल जाऊंगा बट उसका बैटला की खराब था गाड़ी वाली फौज तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं है <laughs> <laughs> तो दैट्स हाउ और उसको जो फर्स्ट बस में उसको इधर लगी थी शोल्डर उसका गया तो उसके जो यहाँ पे एमुनेशन था वो hmm. तो सामने ही रखते हैं तो वो भी सब वो भी हिट हो गया था बट उसका वो वैसे बच गया था मतलब उसके चेस्ट पे नहीं लगी बिकॉज उसने सेव कर लिया बट शोल्डर गया था वो गिरा उसके बाद जब उसने फिर से फायरिंग करी तो ग्रेनेड अटैक में उसका नी चला गया मोबाइल सो देन वी गॉट ऑल लॉट ऑफ सीक्रेट्स वो अपना इंटेलिजेंस वाला आया उसमें सीक्रेट्स लिए एंड देन ही एलिमिनेटेड मतलब नहीं उसको फिर मारा गया कि खुद ही मर गया वी किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ टेरिस्ट और टेरिज्म ए के फोर्टी सेवन प्रॉपर था और अगर था। हम उसे छोड़ देते सर्वाइव करता नहीं करता बाई चांस अगर सर्वाइव करता क्योंकि काफ़ी पॉइजनिंग वगैरह हो गई थी तो वो कल जाके एक लॉयर के साथ नॉन अवेलेबल वारंट पे बाहर आ सकता था ये हमारी फ्रीडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर लॉज कि आप एक टेरिस्ट होके भी आप ऑलमोस्ट आपस्ट बेल पे निकल सकते हो क्यों क्योंकि ऐसे क्यों होता है क्योंकि अगर उसमें गन्स है और गन्स के साथ मारा ये प्रूफ है तो थोड़ी नॉन अवेलेबल ऑफेंस है मतलब टाड़ा बहुत नॉन अवेलेबल थोड़ी होगा हाँ बट पहले आई एम टॉकिंग ऑफ काफ़ी पहले समय रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे टू यू एंड ऑलमोस्ट ऑल फोर्सेस जितने लोग इस पर काम कर रहे हैं टू ऑल फोर्सेस की किस तरीके से आप लोग काम करते हो और किस तरीके से हमें सेफ रखने की कोशिश करते हो इट्स इट्स माइंड ब्लोइंग मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि कितनी सारी कठिनाई और कितनी सारी चीज़ें आपको गुजरनी पड़ती होगी एंड कहाँ से वो मोटिवेशन और डेडिकेशन आता है जहाँ पे आप सब कुछ दाव पे लगा देते हो तो इट्स जेनविनली ए सल्यूट एंड उससे मुझे एक याद चीज़ आई कि आर्मी लैंड आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों के सल्यूट अलग क्यों होते हैं वेल आर्मी का सल्यूट स्ट्रेट होता है कि भाई मेरे हाथ में कोई औजार नहीं है कोई बंदूक नहीं है मैं आपको सपोर्ट समर्पण करता हूँ आपको रिस्पेक्ट देता हूँ एयरफोर्स तस्लूट ऐसा होता है कि भाई आकाश में जाएंगे वी विल फ्लाई वी आर एयरफोर्स <laughs> अब नेवी ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप शिप और सबमरीन पे रहते हैं हम मशीनों के साथ काम करते हैं समुंदर में हर चीज़ गंदी होती है ग्रीस होता है मगर हमारी यूनिफॉर्म होती है सफ़ेद जो कि सबसे मुश्किल होती है मेंटेन करना बट हम उसके बावजूद भी हम हाथ से काम करते हैं तो अगर कोई भी हमारा जवान सेलर हो है यांत्रिक कोई भी है तो कोई काम कर रहा होगा तो ज़्यादा से चांस है कि उसके हाथ में ग्रीस या, या पेंट कुछ ना कुछ लगा कुछ ना कुछ लगा होगा हो। हो तो इसलिए हम अपना पाम गंदा पाम नहीं दिखाएं उसको हाइड करके ऐसे सल्यूट करते <laughs> मुझे नहीं पता था डिफरेंस बट नाउ इट मेक सेंस कि एयरफोर्स लैंड आर्मी और नेवी का तीनों का डिफरेंट क्यों होता है लास्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट टू नो मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस है मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में बहुत ही बड़ा फ़र्क है भले ही दोनों समुंदर में काम करते हैं मर्चेंट नेवी जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 90 टू 95 परसेंट ट्रेड होता है शिप्स है तो मर्चेंट नेवी जो है वो आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्टर्स हैं समुंदर के जैसे आपके ट्रक चलते हैं यहाँ से बॉम्बे दिल्ली सामान लेके जाते हैं वैसे मर्चेंट शिप होते हैं वो सामान लेके जाते हैं तो वो बड़े बड़े होते हैं टेंकर्स भी होते हैं ऑयल और ट्रेड सारी चीज़ें सारे कंटेनर में सामान अमान जाता है तो वो एक पोर्ट से सामान उठाते हैं और उसको लेके जाते हैं समुंदर के रास्ते तो उनका क्रू सिर्फ आपको नेविगेशन करना है और एक जगह से दूसरी जगह और इंजन चलना चाहिए और उनके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं होता वो बहुत बड़े होते हैं तो काम वाम करने के लिए भी आसान होता है तो उनके पास थोड़ी मैन पावर थोड़ी कम होती है और उनको तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है वेरी हाईली पेड तो लोग कम रखते हैं मर्चेंट नेवी में क्रू बहुत कम होता है तो ये हो गई मर्चेंट नेवी उनका काम एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना होता है जो इंडियन नेवी है या किसी आर्म फोर्सेस ये नेवी होती है उसका काम अलग होता है उसका काम है रक्षा देश की रक्षा अभी देश की रक्षा के लिए आपको क्यों चाहिए नेवी मैंने आपको पहले ही बता दिया नाइन्टी फाइव परसेंट ट्रेड है तो आपको नेवी चाहिए आपको आपको दुश्मन को दूसरी तरीके से अटैक करना है आपको नेवी चाहिए आपका दुश्मन आपके साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है मगर आपके लिए मुश्किल करना करता है तो आपको, आपको नेवी, नेवी चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वर्ल्ड में अपनी ओपिनियन दिखानी है अपनी फोर्स प्रोजेक्ट करना है हिंदुस्तान तो कोई आएगा नहीं तो आपकी जब बड़ी बड़ी वॉरशिप्स जाती हैं तो डिप्लोमेसी होती है प्लस आपकी प्रोजेक्शन ऑफ पावर होता है कि अफ्रीका में हमारा शिप गया तो बोलते हैं क्या डिस्ट्रॉयर आया है नेवी का कहाँ का इंडियन नेवी का अरे मतलब चल के जहाज़ वहाँ से आया है तो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पावर होता है गॉट इट परफेक्ट सर थैंक यू सो मच सारे सवालों का जवाब देने के लिए इतने पेशेंटली मुझे हर चीज़ बताने के लिए एंड मेरी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम करने में हेल्प करने में एक्चुअली क्यूरियोसिटी बढ़ गई बट जितने क्यूरियस सवाल थे वो सब इजीली आपने आंसर कर दिया थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू थैंक यू सो मच सर मैं ऐसे सल्यूट करूँ जय हिंद जय हिंद थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है सो so प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा आई सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल